फोन के बिना कैसे लाइफ चलेगी हमारी, मैं सोच रहा हूँ। मैं बड़ी खुश होती हूँ। क्या फोन के बगैर? हाँ। तो आप कैसे मैनेज करते हो फोन के बगैर? फिर काउंसलर किस बात के हुए? आई हैव ऑलवेज, मैं एक मन में रखती हूँ भी वॉक पे, मैंने जब आपके भी कभी मिस किए मैंने जी, तो भी ये टाइम मेरे हस्बैंड का है, तो हमने एक घंटा वॉक, और जिसमें से फिर उसके बाद आधा घंटा बैठ के चिट चैट, हालांकि वो फ़ोन पे होते हैं, क्लाइंट्स के देख रहे हैं एंड लिस्ट चेक कर रहे हैं, बट एक साथ होते ना, वो है ना साइलेंस स्पीक्स, सो आई जस्ट वॉन्ट हिज प्रेजेंस। तो मेरा फ़ोन घर पे होता है, उसके बाद अगर खाना खुना कुछ करना है, बनाना है, बच्चों के साथ टाइम देना है, तब भी मैं फ़ोन नहीं उठाती, मेरा बेडरूम में पड़ा रहेगा। और जब डाइनिंग टेबल पे होती हूँ मैं, तब भी ये हमारे वो है, आई फॉलो दिस लाइन फ्रॉम अमिताभ बच्चन, उन्होंने किसी इंटरव्यू में बहुत पहले कहा था, तब मेरे ख्याल शादी भी नहीं हुई थी मेरी जी, भी तीन चार मील में एक टाइम का जब मील आपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, चाहे वो ग्रैंड पेरेंट्स भी साथ में हो, ससुराल वाले हों, इकट्ठे खाओ और एक दूसरे की बात सुनो और कंप्लीट फैमिली टाइम हो। वो अपना बता रहे थे भी हम फिर फिल्म की बात डिस्कस नहीं करते जी, तो वो इतना बड़ा बंदा कोई बात कर रहा है तो उसमें कोई यू नो उसमें कोई जड़ होगी उस बात की, तो मैं थोड़ा सा उसको अपनी लाइफ में लेके आई। तो मैम जैसे अब आजकल मतलब सब लोग अपने अपने रूम्स में बैठ के खाते हैं, जैसे मतलब बहुत घरों में, मतलब अधिकतर घरों में कि एक आया उसने अपनी प्लेट ली किचन से, या किचन से ही प्लेट कमरे में चली जाती है और वहीं टीवी चल रहा होता है, वहीं सब हो रहा होता है। तो इस मामले में व्हाट इज़ योर थॉट कि हम टीवी देखते हुए खाना खा रहे हैं, या यू वांट कि वो खाने का टाइम एक बात करने का टाइम, एक कन्वर्सेशन का टाइम हो? आप मेरे को नहीं लगता अभी मेरी बात सुनने के बाद जजमेंटल ना हो जाओ, भी शायद मैम ट्राई टू बी वेरी गुड या नाइस, पर हमारे घर में बेडरूम में 100 में एक बार होगा कि खाना यस। हमारा डाइनिंग टेबल मेरा ख्याल किसी घर में इतना यूज़ नहीं होता हमारा, जितना मतलब प्रॉपरली जैसे कहते हैं बनिया उसको एंड यूज़ कर रहा है। हमारा डाइनिंग टेबल बना हुआ, अगर उसका नाम डाइनिंग टेबल है, लिटरली है। मैम आधे से ज्यादा घरों में तो डाइनिंग टेबल पे जो बाहर से हम सामान लेके आते हैं वो ही लाके रख देते तो दैट इज द टाइम यू यूज द फूड टाइम फॉर फैमिली टाइम। फूड टाइम हमारा ब्रेकफास्ट लंच डिनर तो टेबल पे लगना ही है जी। इवन अगर आप नीचे जैसे अगर बैठते जैसे जी। वो हम इस एरिया को ही देखना तो ऑफिस इसलिए ऊपर आए, तो अगर आप चाय लेते तो डाइनिंग ड्राइंग रूम में आपसे बातचीत होती, उसके बाद आप डाइनिंग टेबल पे ही आते। ओके, हालांकि आप फॉर्मल हैं, हम घर में पहली बार मिल रहे हैं जी, अदरवाइज हम जानते हैं एक दूसरे को बहुत जी मैम, ठीक है ना। तो तब भी मैं डाइनिंग टेबल पे सर्व करती हूँ, आई रिक्वेस्ट माय गेस्ट टू प्लीज कम अहेड। पर अधिकतर उल्टा होता है कि जहाँ गेस्ट बैठे हुए हैं हम सामान सारा वहीं ले आते हैं, वो भी करती हूँ मैं, पर मोस्टली हाँ डाइनिंग टेबल बहुत यूज होता है। मेरी डॉटर अगर वो सुनेगी तो गुस्सा होगी भी क्यों शेयर किया जी। मेरी डॉटर को अलाउड नहीं है भी अपनी जो उसकी फ्रेंड्स आती हैं भी उसके कमरे में सामान लेके जाए, तो जब भी कोई उसकी फ्रेंड एक या दो या तीन ज़्यादा आती हैं तो वो मेरे को पहले ही विस्पर करती है, मम्मी प्लीज़ बाहर मत आना, ठीक है मैं मैनेज कर लूँगी। और मेरे को वो नौकर की पैर की आवाज़ सुनती है भी, ट्रे लेके नॉक कर रहा है, तो मैं आवाज़ देती हूँ विशु ट्रे बाहर हाँ। तो फिर उस कहती है यार मम्मी घर हैं की करिए आ जाओ पहले कॉफ़ी बाहर पी लेने। हालांकि फिर वो बाद में बेडशीट भी चेंज करेगी एंड यू नो ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन ये जो एक नॉर्म है या एक क्रिएटेड डिसिप्लिन है ये शुरुआत से ही है मैम, फ्रॉम द डे वन। पर यस थैंक यू आपने नॉर्म्स कहा, ये एक अंडरस्टैंडिंग होगी जी, मतलब हिटलर रूल नहीं है, ठीक है, और डिसिप्लिन भी ऐसा दे अंडरस्टैंड। मैंने मतलब उनको एक कीड़ा डाल दिया क्लीनिनेस का, एक अच्छी हाइजीन का। अब अगर मैं उनको कहूँगी ना भी जाओ भी खा लो अंदर जाके कड़ी चावल अपने बाउल छुपाए बैठो, तो वो खाएंगे नहीं बिल्कुल क्योंकि दे आर यूज्ड टू इट नाउ। Watching RFE Unplugged on Rolling Frames Entertainment. Brought to you by Pinaka Media Works. Powered by Aroma Musk, Alistos.
नमस्कार, आप सब लोगों का स्वागत है आज के इस बहुत ही यूनिक, अगेन हमारे सारे एपिसोड्स बहुत यूनिक रहे हैं, पर ये वाला खास बहुत ही यूनिक एपिसोड है जो आप देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। और आज मेरे साथ हैं सीमा गुप्ता मैम, हु इज़ अ रिहैब साइकोलॉजिस्ट एंड अ मेंटल हेल्थ काउंसलर। मैम जनरल सेक्रेटरी हैं आशी हरियाणा स्टेट ब्रांच के और प्रेसिडेंट हैं विमेंस इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री स्किल डेवलपमेंट काउंसिल यूटी चंडीगढ़ के। मैम वेलकम टू आर शो टुडे। नमस्कार, हरिओम। मैं सबका अभिनंदन हरिओम से ही करती हूँ, आपको पता है। जी मैम। ओजस्वी, थैंक यू सो मच। जब आपने कहा भी एक टाइम लेना है तो मेरे को अपनी इंटरव्यू की खुशी नहीं थी, मेरे को ये था मैं साड़ी डाल के आपके साथ बैठूंगी तो आज मेरे को एक स्टार फीलिंग देने के लिए, रियली ऑनेस्टली आई मीन इट, जी थैंक यू सो मच। और आपके साथ एसोसिएशन में खल 2018 में हुई थी। जी मैम, 2019 में आशी हरियाणा की जब 50th गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन थी तब मैं और मैम मिले थे। जी, जब हमने समर्पण फिल्म बनाई। समर्पण फिल्म। जी जी मैम। मैम मैं पहले ये पूछना चाहता हूँ, जब मेरा फोन आता है तब आप क्या सोचते हो? मेरे को एक, क्योंकि यू आर द ओनली वन जो इस तरह कैमरा एक्शन और पिक्चर वाली फीलिंग में है, तो मैं सिर्फ आपको जानती हूँ, तो मेरे दिमाग में आता है ओ अरे ओजस्वी का फोन है, और इट्स ए डिफरेंट फीलिंग विच आई कांट एक्सप्लेन। और सेकंड, आप एक बड़ा पॉजिटिव ऑरा लेके चलते हैं, क्योंकि हमारी कई सीटिंग हुई थी जब समर्पण बना, और जब आप आते थे तो एक पर्सनैलिटी होती है जो एक हसमुख वाइब्रेंट बुजुर्ग के साथ बुजुर्ग, बच्चे के साथ बच्चा बनना, और हमारे जैसे जो यू नो मिडिल के हैं कोशिश करते हैं भी यंगस्टर के साथ भी कैच कर लें। सो इट्स ए वेरी गुड फीलिंग, वेरी गुड। तो अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो हमारे चैनल पे ही समर्पण मूवी अवेलेबल है, आप सब जाएं और आशी हरियाणा और आशी हरियाणा के जितने भी प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं पूरे पंचकुला रीजन में और थोड़े रूरल एरियाज ऑफ पंजाब में, जो भी स्किल डेवलपमेंट, इवनिंग स्कूल्स, चिल्ड्रन केयर और जितने भी प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स रन कर रहे हैं, और आशियाना चिल्ड्रंस होम के अंदर भी आपको एक जाने का मौका मिलेगा वो फिल्म के ज़रिए, तो वो आप फिल्म ज़रूर देखें और फिल्म में सीमा मैम को भी ज़रूर देखें। बिल्कुल। अगेन, क्योंकि वो फर्स्ट टाइमर था जब ओजस्वी आपने एक हमें फीलिंग दी भी, यस एक्शन होने वाला है, स्टार होने वाले हैं हम, तो बड़ा अच्छा लगा। और काम तो खैर वो तब भी चल रहा था, अब भी चल रहा है। जी। आपने जो समर्पण की बात की है, मैं व्यूवर से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल, एक फिल्म तो है ही है, डॉक्यूमेंट्री जो बहुत सक्सेसफुली ओजस्वी ने बनाई, एंड जो हॉल में जब इनोग्रेशन हुई तो वो क्लैपिंग, वो अप्लॉज देखने वाला था। बहुत यंग हैं ये और इनका एक इतने अच्छे प्रोजेक्ट को कैच करना, रियली हैट्स ऑफ टू यू, सलाम आपको। तो व्यूअर से ये रिक्वेस्ट है भी जब भी आपको देख, आप उसको देखें तो ये सोच के देखें भी एक आशी हरियाणा की टीम कैमरे के पीछे रह के, अपने आप को पीछे रख के सोसाइटी के लिए एक प्रोजेक्ट बना के काम कर रही है, वो कैसे कर रही है, दैट्स इट। उसके बाद फिर आप हमारे साथ जुड़ते चले जाएंगे, जो कि हमारा मोटिव है। थैंक यू। जी, तो मैम जब फिल्म बन रही थी और जब बनी तो उसमें आपने क्या डिफरेंस फील किया? क्योंकि मैंने बताया ना अभी, कभी हमने, मैं अपनी बात कर रही हूँ, कभी ऐसे देखा नहीं था अभी ऐसे कैसे कैप्चर करते हैं, कैसे एडिट करते हैं, और ऑनेस्टली मैंने ध्यान भी नहीं दिया था। लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम आपने कैमरा आगे किया समर्पण के लिए और आपने कहा सिमी मैम आप आराम से बैठ के टेक आउट योर टाइम और जो आपकी मेमोरी आ रही है आप शुरू हो जाओ, मैं तो ब्लैंक ही हो गई जी मतलब, और मैं सोचूं भी सिमी तू एटलीस्ट स्टूपिड सारा दिन कचर कचर बोलती रहती है और कुछ नहीं सोच रहा था मेरे को। और जब हो चुका था, मैंने घर आके बात की और सारे मेरे बच्चे कह रहे थे मम्मा यू आर आउट तो मैं, जो मेन मुद्दे थे वो एंड में जाके आए। हालांकि आपने बड़ा कंफर्टेबल कहा हमें रहने के लिए और हम रहे भी, लेकिन
ये आदत ही नहीं है, मतलब कॉन्शियस हो गए, आई डोंट नो व्हाट हैपन. तो सलाम है उन एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को जो कैमरा फेस करते हैं और आपको जो कैप्चर करते हैं. कमिंग टू द आफ्टर एडिट जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी रिलीज, ओह माय गॉड ओजस्वी, यू हैव डन सच ए वंडरफुल जॉब. आपने, आपको पता ही है हमारे 6 प्रोजेक्ट हैं जी, और जो आनंद शिक्षा का है उसमें 360 के करीब बच्चे हैं जी, इससे कम नहीं होंगे, ज़्यादा हो सकते जी. हैं. तो उसमें अलग बैकग्राउंड से स्लम एरिया से भी आ रहे हैं, एंड वहाँ पे आपने जाके कैप्चर किया, और मैनेजमेंट के जितने भी थे सबसे आपने इंटरेक्शन की, सबसे टाइम लिया. एंड द बेस्ट पार्ट विच आई अप्रिशिएट ऑलवेज, जब मैं अपनी ईमेल देखती हूँ, कभी आपकी ईमेल आ जाती है तो आपने सिस्टम से एक हमें मेल की थी जी, जो सारे मेंबर्स को स्प्रेड हुई भी, सीमा गुप्ता का ये टाइम, डॉक्टर विभा शेड्यूलिंग था, शेड्यूलिंग या शेड्यूलिंग थी. सो हमें लगा भी अरे हमारे जैसा ही मिलता जुलता काम है भी, थोड़ा सा प्लानिंग करके. एंड इट वॉज वंडरफुल जॉब, वेरी सक्सेसफुल. आपके बच्चों ने भी फिल्म देखी थी, लॉन्च पे आए थे, आई रिमेम्बर, आई थिंक आई मेट योर डॉटर. आपने बहुत अच्छा बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है. और जसवी उस टाइम पे जब स्कूल में इनोग्रेशन हुई जी, और चल रही है हमारी ये डॉक्यूमेंट्री, मैंने अपने बच्चों को कॉल किया, इनवाइट किया. माय हस्बैंड इज़ अ सीनियर डेजिग्नेट लॉयर, तो आई नो सब प्रोफेशन बहुत बिजी हैं, लेकिन उनके पास टाइम थोड़ा कम होता है, और पर फिर भी वो मेरे करके और हमारी मैनेजमेंट ने, क्योंकि इतना अच्छा काम कर रही है, आए. तो आई सॉ माई हस्बैंड आई माई बोथ किड्स विदुषी एंड सूर्या क्राइंग. तो जब क्लिपिंग आई, ये नहीं भी मेरे को ही देख के मेरी जो लाइंस थी या हमारी दूसरे मैनेजमेंट के टाइम पे दे स्टार्टेड, एंड द टीयर्स वर रोलिंग डाउन. तो मैंने पूछा अभी बेटे क्या बात, कहता आई फील सो प्राउड दैट माई मॉम इज़ एसोसिएटेड विद सच ए ग्रेट टीम. तो मेरा ख्याल है मेरा तो जीवन ही सफल हो गया, यू नो, जब बच्चे आपको एक इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट करें. हालांकि हमारी टीम किसी रिकॉग्निशन के लिए नहीं कर रही जी, है ना, और आपने देखा भी है भी अनकंडीशनल होके आगे चल रहे हैं. पर ओ माय गॉड, एंड दैट मोमेंट इज़ पॉसिबल क्योंकि आपने वो शूट किया, आपने वो एडिट किया. पर उसमें थोड़ी मोटी लग रही थी मैं. ये मैं रोल ऑन कैमरा बता देता हूँ कि कैमरा पे जनरली हम जितने होते हैं उससे 2 किलो ऊपर ही नज़र आते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ द लेंसेज एंड जैसी हमारी फ्रेमिंग होती है, समटाइम्स फेस बड़ा आता है, हमारा एंगुलर कैप्चर रहता है. तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप कैमरे पे मोटे लग रहे हैं तो आप असल में नहीं हैं. यू सेव मी, थैंक यू सो मच. नहीं मैम, एक्चुअली वो उस टाइम पे ये भी था चैलेंज हमारा कि जो जैसे मैं बताई थी, और फिर मुझे फर्स्ट टाइम नरेशन मिली थी कि हमें 6-7 मिनट की बनानी है. आई रिमेम्बर विवा मैम ने मुझे कहा कि 6-7 मिनट की बनानी है, एंड मैम मैं ऑलरेडी बना चुका था इतनी फिल्में, तो मैंने उसी वक्त कहा था कि मैम ये 6-7 मिनट की नहीं बनेगी, क्योंकि 6-7 मिनट में हम इतने 50 ईयर्स ऑफ वर्क प्लस इतनी बड़ी टीम और प्लस कवरिंग ऑल लोकेशंस, क्योंकि जितने डेप्थ में चीज़ को समझाया गया था वो मुमकिन नहीं था कि 6-7 मिनट में डाले जाए. एंड समर्पण इज 26 मिनट्स, वी वेंट ट्रिपल द लेंथ. पर आप देखें कि मैनेजमेंट में सब लोगों ने बोला, तो कम से कम कोई बोलेगा कि 2 मिनट तो बोलेगा, 1 मिनट में क्या बोलेंगे. फिर सबको हमने उनके लोकेशंस पे जाके कवर किया, मांदना गए, थापली गए, बोडनपुर गए, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल उधर भी, जीरकपुर में भी गए और 15 में भी गए. मतलब जो एक्चुअल लोकेशंस थी उनको बोल के उनकी पिक्चर्स दिखाते वोंट हैव जस्टिफाइड. हमें एक्चुअली प्रोग्रेस वहाँ दिखानी है कि ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या आ रही है. इवन आनंद शिक्षा के एक फैमिली के घर गए, बाहर गए, दैट्स राइट. एंड उनके पेरेंट्स, वन ऑफ द पेरेंट एंड लड़का एंड लड़की, वो भी आए थे. सो द जर्नी वाज रियली वेरी वेलकमिंग एंड एनकरेजिंग, और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला. समर्पण का तो यूट्यूब पे भी है जी, और आपने उसके बाद हर एक पर्सनैलिटी के अलग अलग छोटे क्लिपिंग भी किए, जिसको मेरा ख्याल है आप कुछ प्रोफेशनली प्रोमोज कहते हैं, राइट. सो आपसे वो कनेक्शन हुआ, उसके बाद आप जितने भी प्रोग्राम्स करते रहे और डे बाय डे आप बिजी चल रहे हो,
यू कीप इनफॉर्म ईच एंड एवरी वन एंड विच इज़ रियली गुड वी आर कनेक्टेड। नहीं, ये मैम मेरी हैबिट है कि मैं जिनके साथ जुड़ता हूँ अच्छे लोगों के साथ उनकी भी पूरी मैंने नज़र रखी होती है और हम जो कर रहे हैं मैं वो भी बताना जरूरी समझता हूँ, परेशान नहीं करता मैं किसी को। मैम मुझे थोड़ा सा ये वुमेन्स इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री स्किल डेवलपमेंट काउंसिल बिकॉज मैम इज़ द प्रेजिडेंट, तो मैम मैं जानना चाहूँगा कि मतलब इसके साथ कैसे आपका चल रहा है? क्योंकि एज अ नेम से स्किल डेवलपमेंट काउंसिल, तो मेरा क्योंकि हमारी जो स्लम एरिया की एंड आसपास के लेडीज हैं प्रिविलेज्ड जी, तो उनको कुछ हेल्प करने के लिए उनको अंडर प्रिविलेज लेडीज को या वीमेन को एम्पावर करने के लिए, उनको एजुकेट करने के लिए, एजुकेट डजंट मीन एकेडमिक्स जी जी, चाहे वो हाइजीन हो, चाहे वो जैसे डोमेस्टिक वायलेंस बहुत हो रही है, तो उनको एजुकेट करना भी कोशिश करें भी अपना परिवार सहेज के रखें जी। क्योंकि मैं थोड़ा हट के इसमें क्योंकि एक मिनट आपका लूँगी जी जी, मोस्टली अगर फीमेल यंगस्टर से बात करें या जो वर्किंग इन फील्ड में क्लब्स के या हेड हैं या किसी एनजीओस की हेड हैं, तो जब भी वो किसी अंडर प्रिविलेज वीमेन को काउंसिल करते हैं तो वो इतना हेल्प करते हैं, उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है सर्वाइव करने के लिए जी। तो मैं इसमें एक और बात ऐड करती हूँ, जब हम कोई वेबिनार रखते हैं एजुकेट करते हैं भी, डिवोर्स लेना या केस के लिए वुमेन सेल में जाना थोड़ा लेट सोच लें, जस्ट ट्राई हार्ड, क्योंकि जो सफरिंग है वो बच्चों पे आ जाती है सारी जी। निगलेक्ट बच्चे होते हैं और पेरेंट्स फिर भी अपना लाइफ सर्वाइव कर लेते हैं, बच्चों को उस टाइम पे पेरेंट्स की बहुत ज़रूरत होती है जो कोई और सब्स्टिट्यूट बन के नहीं दे सकता, विच इज़ रियली वेरी करेक्ट एंड ट्रूथ जी। तो हमारा स्किल डेवलपमेंट जो काउंसिल की प्रेसिडेंट बनी, अभी मेरा ख्याल है 2 महीने के प्लस हो गए जी, मे बी थोड़ा ज़्यादा हुआ होगा, तो हम एवरी 15 दिन बाद एक वेबिनार रखते हैं जिसमें अलग अलग टॉपिक, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हैं, एजुकेशन से, हाइजीन से, या ब्रिंगिंग ऑफ देयर किड्स जी, एंड जो अभी आ रहा है वो है डोमेस्टिक वायलेंस जी, तो अलग अलग स्ट्रीम के हम एक्सपर्टीज लेते हैं, वो आके अपनी 1 घंटे की टॉक इन क्वेश्चन राउंड होता है जिसमें हम उनको एजुकेट करते हैं जी। अब आते हैं इनको कैसे फाइनेंशियली हम स्ट्रॉन्ग बनाएं जी। सपोज 10 लेडीज़ का ग्रुप कोई नीटिंग का काम कर रहा है या स्टिचिंग का काम कर रहा है, तो मैं कोशिश करती हूँ भी अपने कनेक्शन से, नॉट माय ओन कनेक्शन, ग्रुप ऑफ कनेक्शंस जी, तो हम पार्टी को वीमेन से इंटरेक्शन करवाते हैं जी, एंड कोशिश करते हैं आर्ली बेसिस पे ताकि उनके साथ कैच करके वो फाइनेंशियली साउंड हो जाएं जी। सो दिस इज़ अवर प्रोजेक्ट फॉर द टाइम, जैसे जैसे ये ग्रुप बढ़ता जाएगा मेरा ख्याल है विल स्टार्ट विद अनदर जो हमने रखा हुआ है लेडीज़ के लिए भी, इवनिंग में उनको कोचिंग देना जो इलिटरेट हैं बेसिक लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स के, क्योंकि आप मानेंगे 10 में से 5 और 6 लेडीज़ ऐसी हैं जिनको ये नहीं पता, सपोज मेरी आपके घर में काम कर रही हैं भाई 2500 रुपये क्या होते हैं, पे लेने उनका बच्चा या कोई और आता है, अगर हम उनमें से उसको कहते हैं भी हमने 15 दिन की काटी है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसको ये नहीं पता भी 2500 के हाफ डे के हाफ मंथ के काटेंगे तो 1250 रुपये हैं या कितने बनेंगे। सो बेसिक उनको एजुकेट करना, लिटरेसी जिसको कहते हैं कि थोड़ा सा कहीं वो पढ़ पाए लिख पाए ताकि वो अपने जी करेक्ट अपनी जो डेली रूटीन लाइफ है उसको सर्वाइव कर सकें। दैट्स इट मैम, घर में जैसे कोई भी जैसे पेंटर भी आते हैं, इलेक्ट्रिशियन भी आते हैं, चाहे हम उन्हें इंडिया में या वेस्टर्न वर्ल्ड में ब्लू कॉलर जॉब्स ही बोलते हैं, पर आप देखो कि वो हर चीज़ लिख सकते हैं, कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं हिसाब, तो मुझे लगता है कि ये बहुत एक अच्छी एक मूव है। तो जैसे आपके ऑनलाइन सेमिनार हो रहे हैं या सेशंस आप ले रहे हैं टॉक्स, तो जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं वो उन्हें कैसे एक्सेस कर रहे हैं? बहुत अच्छा, आपने आशियाना का काम देखा हुआ है, आशी हरियाणा का जी, जो आशी हरियाणा का मेन एक आनंद शिक्षा के नाम से प्रोजेक्ट है जो श्री अरुण अग्रवाल जी लीड कर रहे हैं, राइट, तो उसमें मैंने स्ट्रेंथ बताई है कितनी है। हाँ, अब कितनी है वो बताओ, 350 से प्लस ही लगा, 350 प्लस
क्योंकि ये कोविड करके थोड़े कमती हो सकता है, लेकिन स्ट्रेंथ तो उतनी रहेगी, एब्सोल्युटली, है ना, लाइफ विल गो ऑन जी। अब देखिए हमारे काम करने का, हमारी जो ग्रुप टीम ग्रुप का क्या मजेदार काम है, वो क्या करते हैं जी, बच्चों ने को वर्चुअल जो क्लासेस लग रही हैं वो कैसे लगाएंगे जब मोबाइल ही नहीं है, और फादर लेबर का काम कर रहे हैं, मदर मेड का काम है। तो हमारी टीम ने डोनर्स ढूंढे, तो हमारी टीम पहले, क्योंकि हमारे पास बच्चे एनरोल हैं, सब कुछ लिखा हुआ है, तो बच्चों को सिलेक्ट करके, सपोज दो भाई बहन है या तीन है, क्योंकि ये तो ग्रुप में ही आते हैं बच्चे, एक फैमिली से आगे तीन बच्चे, एक फैमिली से दो आगे, एंड सो ऑन, तो उनको हम स्मार्टफोन प्रोवाइड करते हैं जी, इररिस्पेक्टिव ऑफ ब्रांड और समथिंग, बिल्कुल। ये अभी से नहीं, पिछले 2 साल से हो रहा है, और हमारा आशी हरियाणा का काम हमेशा इसी उस पर रहता है भी, अगर एक टास्क को पकड़ा है तो उसको कैसे कंप्लीट करना है। अभी भी अगर मैं गलत नहीं हूँ, 57 to 75 हम प्रोडक्ट्स दे चुके जी, स्मार्टफोन जी। कंप्यूटर की क्लासेस हमारे, जिसका नाम है कंप्यूटर लर्निंग सेंटर, आशियाना प्रेमिसेस में होती हैं जी, वहाँ पे हमारे बच्चे तो पढ़ती हैं क्योंकि वो वहाँ पे रह रहे हैं, क्योंकि इट्स ए CCI चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट, पर हम बाहर के बच्चों को बुलाते हैं। आप इमेजिन कीजिए, वी आर सो रिस्पॉन्सिबल भी हम, क्योंकि हमारे पास उनके फ़ोन नंबर्स, उनके आधार नंबर, उनके पेरेंट्स कॉन्टैक्ट नंबर, हमारे पास सब कुछ है, तो हम उनको कॉल करते हैं। ये कोविड के टाइम पे वो काम कुम छोड़ के गाँव में चले गए, गाँव में अभी तक नहीं आए कई जने, तो जो हमारी स्ट्रेंथ 45 होती थी कंप्यूटर्स की, वो डिक्रीज होके 12-15 रह गई जी, बट हमारा तो काम चल रहा है, चल रहा है। वी आर प्रोवाइडिंग क्लासेस फ्रॉम 2 to 3, 3 to 4 एंड 4 to 5 जी, और टीचर हमारे आते हैं, सैलरी बेस्ड हैं, ये आनंद शिक्षा के अंडर ही प्रोजेक्ट है। अब जो आप कह रहे हैं अभी हमने क्लासेस देनी है, किसी को एजुकेशन इम्पार्ट करनी है बाय दिस टेक्नोलॉजी, तो नेचुरली हम उस सिस्टम को पहले करते हैं, फिर हम वेबिनार कंडक्ट करते हैं, करेक्ट, राइट। तो ये मुद्दा आया था, और ऑल थैंक्स टू ऑलमाइटी, बिल्कुल, जिसने डोनर्स भी भेज देते हैं, और जो हमारे पैट्रन हैं वो पिछले 2 महीने पहले की बात है, जनरल सर मीटिंग में आए हुए, और मीटिंग चल रही है, और कहा भी हमें 50-60 के करीब सर मोबाइल की ज़रूरत पड़ेगी, और जसवी कैन यू बिलीव अभी मैं लिख रही हूँ मिनट्स, और सर ने उसी वक्त फ़ोन से ट्रांसफ़र मनी ऑफ, और 50-60 सेल फोन। सो ये काम सिर्फ आशी हरियाणा की अंदर ही हो सकता है, मतलब जब तक मैं मिनट्स लिख के ऑफिस में उसी प्रेमिसेस में है, तब तक तो मैसेज भी आ गया था बैंक से। जब भी ऐसी चीज़ें होती हैं ना, तो मैं सोचता हूँ कि मतलब ना आपका एक ह्यूमैनिटी, भगवान, हर चीज़ पे ना विश्वास एकदम बढ़ जाता है मैम, कि कभी कभार मन में हम सोचते हैं कि ये चीज़ कैसे होगी, और वो उसका सॉल्यूशन, उसका जो समाधान ही कहते हैं, वो चल के ही आ रहे होते हैं, आते ही बैठते हैं और कहते हैं ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। पता नहीं, शायद मेरे हाथों में कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व हुई हो, मैं तो यही सोचता हूँ कि काश मेरे हाथ से भी कुछ ऐसा हुआ हो। आपका, आपके हाथ से हुआ तभी समर्पण बनी है। आप एक यू नो एंजल कह सकते हैं, या एक कुदरत की तरफ से एक इशारा हुआ, क्योंकि उससे पहले 2-3 से हमारी मीटिंग हो चुकी थी आपसे पहले जी, तो बड़ा अच्छा रिजल्ट रहा, कनेक्शन बहुत अच्छा रहा, क्योंकि आप ये मोटिवेशन की बात कर रहे हो, इंस्पिरेशन की, सो मैं बताना चाहूँगी भी मेरी जर्नी भी कैसे शुरू हुई जी मैम, क्योंकि हम आशियाना को मेन रख के बात कर रहे हैं, हमारी इंट्रोडक्शन आशियाना से ही हुई जी। और जसवी एजुकेशनल बैकग्राउंड से है माइका जी, और हस्बैंड और फैमिली सारी सीनियर लॉयर हैं, एंड जजेस बैकग्राउंड है जी। हमारे परिवार में ही 14 बच्चे होंगे जो लॉयर हैं जी, राइट। तो मैं, बच्चे बड़े हो रहे थे, तो सोचा मैं अपनी जो एजुकेशन है मास्टर्स कर चुकी थी जी, एंड मास्टर्स इन काउंसलिंग ओनली, भी इसको आगे बढ़ाया जाए। तो 2011 में, क्योंकि आशियाना इज़ वेरी क्लोज जी, एंड आई एम इन पंचकुला, तो वो नज़दीक था, तो मैंने वहाँ पे इंटर्नशिप शुरू की जी। पर आई एडमिट, जब मैंने इंटर्नशिप शुरू की तो ये सोच के भी मैंने 40 दिन या 1 महीना लगाना है जी, क्योंकि
हर एक चीज आपके लिए नई है, देयर इज ऑलवेज सेकंड टाइम जी, पर फर्स्ट टाइम तो होता ही है जी। तो जब मैं वहाँ पे गई तो क्योंकि मेरी फैमिली बैकग्राउंड, मदर हेड टीचर रिटायर हुए, फादर बड़े डिवोशनल शिव भक्त, तो घर का वातावरण भी कुछ ऐसा है। तो जब भी वहाँ जाती थी तो बच्चों को हग करना, कभी ये नहीं सोचा भी ये बच्चे क्लीन नहीं हैं, ठीक है, हाइजीन होना अलग बात है, वो ध्यान रखना पड़ता है। तो 2011 में करते करते मैं उनके साथ कब जुड़ गई मेरे को पता नहीं चला। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड टिल टुडे 10 साल प्लस हो चुके, और उनकी सीनियर काउंसलर भी बनी, जनरल सेक्रेटरी भी हूँ जी। ऑन ऑफ बीच में रहा, कभी जैसे घर के कमिटमेंट हो जाती हैं, लेकिन आई कांट से बाय, क्योंकि एक जो इंस्पिरेशन है वो जनरल सर को देख के, डॉक्टर विभा को देख के, हम कुछ भी कर सकते हैं। हमें थोड़ा सा यहाँ से क्लियर करना पड़ेगा, चेंज योर प्रायोरिटीज़, जस्ट फिल्टर इट, और उसके बाद आप यू कैन डू वंडरफुल थिंग्स। और वो एजुकेशन मेरी, मेरे को नहीं पता था कहाँ काम आएगी, आई रियली एक पैशन था भी, बच्चे पढ़ रहे हैं चलो इसमें सर्टिफिकेशन कर लूँ, इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन कर लूँ। आई डन 8 certification and 6 पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास फ्रॉम लास्ट 8 years, और सब साइकोलॉजी में एंड बिहेवियर थेरेपीज में, एंड आई एम जस्ट अप्लाइंग दिस टू ऑन आशियाना किड्स। बिल्कुल। तो मैम जैसे बच्चों के साथ आप इतना टाइम स्पेंड करते हो, खैर खुद के भी बच्चे जो वो है ही हैं जी, और फिर हम आशियाना भी जाते हैं और अब वो भी हमारे बच्चे हैं सारे। Absolutely. तो इतने सारे बच्चे हैं, एंड देन अब मैंने जब नवचेतना प्रोजेक्ट पे भी मैं काम कर रहा था ड्यूरिंग वाइल वी वर फिल्मिंग, तो भी मैं देख रहा था कि वो भी आपने एक वुमेन एम्पावरमेंट एक स्किल तो है ही है, जो कि अभी मैसेज भी आया था कि इफ़ यू हैव यू न्यूज़पेपर बट क्लीन न्यूज़पेपर तो वो आप ज़रूर भेजें। तो बिकॉज मैंने स्टिचिंग भी देखी थी वहाँ होती भी, एंड वो सारे आप फिल्म में देख सकते हैं। तो मैं वही देख रहा था कि ये कॉन्स्टेंटली सालों साल ये काम चल रहा है, एंड कब दिवाली आती है, कब फिर वो आता है, एंड एवरी ईयर हम होते जाते हैं। आई रिमेम्बर 26 जनवरी का भी इवेंट था, फ्लैग होस्टिंग इवेंट में तब भी आया था। मतलब 2 साल से तो फिर कुछ चीज़ें रुकी और फिर नहीं बनी, बट काफ़ी चीज़ें कंटिन्यूसली चल रही। तो मैम बच्चों के साथ व्हाट, आप मुझे ये बताओ कि बच्चों के साथ व्हाट हैज़ चेंज ओवर द ईयर्स, मतलब आप इतने बच्चों से मिलते हैं, द इशूज़ हैव चेंज, व्हाट हैज़ चेंज। जो देयर इज अ बिग डिफरेंस जी, जो हमारे बच्चे हैं वो एक एनवायरनमेंट में हैं, राइट जी, उनको पता है भी मदर मेरी सुबह भी है शाम को भी है, मतलब केयर करने वाले, लुक आफ्टर करने वाले, उनको प्लेटर में तैयार देने वाले, उनको पता है थिंग्स आर डिफरेंट देयर। उनको पता है भी सीमा मैम ने आना है, तो उन्होंने मैम ने मेरी अगर कोई प्रॉब्लम है वो वेट करते हैं भी काउंसलर को ना बता के, क्योंकि आई हैव गेन्ड देयर फेथ ट्रस्ट जी। तो कोई अच्छा काम करना है तो वेट करने भी सीमी मैम को बताना है, हमने वो रिवॉर्ड देंगे, रिवॉर्ड कैन बी अ हग और एक चॉकलेट कॉर्नेटो आइसक्रीम कोन, दैट्स इट। ये फ़र्क है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे ज़्यादा हैं घर पे। मैं सभी की बात कर रही हूँ, राइट, चाहे वो आपका परिवार है, मेरा परिवार है, या अदर मेम्बर्स, राइट। आशियाना के बच्चे की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, लेकिन वो ट्रस्ट मैंने गेन किया, वो मैंने अर्न किया है जी, ठीक है। अब उसके लिए मेरी वर्किंग चेंज कैसे हुई, जब मेरे बच्चे और फैमिली मेम्बर्स सुबह काम पे चले जाते हैं तो मैं जो लास्ट वाले दिन का टाइम है, वही जो मैं कहा था प्रायोरिटीज़ चेंज करें, उसको फिल्टर करें। तो मैं आई डोंट वॉच टीवी, आई एम वेरी सॉरी, आई डोंट वॉच न्यूज़ रियली ऑनेस्टली, मैं भी नहीं देखता। सो मेरा आई क्यू मे बी बहुत डाउन हुआ होगा, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी। तो वो मैं 3 घंटे काम ख़त्म करके, आई एम ए कम्प्लीटली फैमिली पर्सन, आई ट्राइड हार्ड भी मेरा फैमिली निगलेक्ट ना हो, एंड आई एम वेरी सक्सेसफुल इन दैट। तो मैं वो 3 घंटे अपने आशियाना में देती हूँ एवरी डे। इनिशियली मैंने रखा था सैटरडे संडे, क्योंकि माई हस्बैंड इज़ अ लॉयर, तो भी मैं वो दिन उनको देने हैं जी, और मैं देती भी हूँ। लेकिन प्रभु की इतनी कृपा है, जो अच्छे डोनर्स या अच्छे
गेस्ट है वो शनिवार एतवार को ही आते हैं ब्यूरोक्रेट्स जी। तो फिर जब हमने ही इनवाइट किया है, हाउ कैन आई से नो टू देम। बिल्कुल, पर मैं वो जबरदस्ती नहीं जाती आशियाना में, मैं विलिंगली जाती हूँ, मैं अपने परिवार को बोल के भी आई विल गो फॉर हाफ एन आवर। तो मेरे बच्चे फिर बाद में मैसेज करते हैं, मम्मा आप आराम से ना एक मंजा वहीं पे डलवा लो, आप टेक योर टाइम, हम खाना खा के अपने कमरे में सोने जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे टाइम का पता ही नहीं चलता। बिल्कुल तो नहीं, एब्सोल्युटली, क्योंकि मैम जाते हैं, मैंने देखा है कि कभी बच्चे आ रहे हैं, कभी किसी की काउंसलिंग कर रहे हैं मैम। एंड आशियाना चिल्ड्रंस होम में देर इज़ अ सेपरेट एंटायर बिल्डिंग दैट ओनली हैज़ गर्ल्स, एंड देन देर इज़ अ सेपरेट ब्लॉक अक्रॉस द रोड विच आई नो विच, जहाँ पे सिर्फ लड़के रहते हैं। सो दैट सेपरेशन इज देयर इन दी वेरी अर्ली एजेस, बिकॉज बच्चे लड़कियाँ मैंने देखी है मैम बहुत छोटी एज से आ जाती हैं, और इसमें मैं एक बात ऐड करूं, बिल्कुल, और उनके एडोलेसेंस इश्यूज भी शुरू हो जाते हैं, एंड देन लॉट ऑफ थिंग्स कम अप, एंड देन छोटी बड़ी को दीदी बोलती हैं, एंड इट दैट कल्चर इज ऑब्वियसली देयर। एंड बिकॉज मैं वहाँ, बिकॉज जब हमारा क्रू पूरा फिल्म कर रहा था, तो मैं ये भी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि व्हेन आर क्रू इज़ एक्चुअली फिल्मिंग इनसाइड अ चिल्ड्रंस होम, एंड स्पेशली जहाँ पे सिर्फ लड़कियाँ हैं, एंड हमारा क्रू में लड़कियाँ नहीं थी, तो वी हैड टू बी वेरी एक्स्ट्रा केयरफुल, वेरी कॉशियस, एंड मतलब नज़र पूरी रहती थी कि मतलब आई मेड श्योर दैट वी नेवर एंटर्ड एनी रूम विदाउट देम, और दे हैड टू बी देयर एट एवरी पॉइंट वेर एवर वी वर फिल्मिंग। इवन जब हम रिमोट प्लेसेस में भी गए थे या दूसरी जगहों में, वी वर ऑलवेज अकम्पनीड बाय सम पर्सन फ्रॉम द कोर टीम, अदरवाइज अनअटेंडेड तो हम कहीं भी नहीं वहाँ जा सकते थे। वो मैंने कोशिश की कि मैम, बिकॉज आई नो दैट फीलिंग, कि वो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहती ना जो उनको अपने रूम्स में, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी। एब्सोल्युटली मैम, मे बी जो कोई नए व्यूअर्स हों उनको पता चले, क्योंकि CCI है, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट, जी जी, और ये हमारी रजिस्टर्ड सोसाइटी है जी। तो फ्रॉम लास्ट 50+ ईयर्स ये जब CCI का एक नॉर्म है, रूल्स हैं, 18 साल से बड़े बच्चा चाहे मेल फीमेल नहीं रख सकते, तो उसको रेस्टोर करना पड़ता है। अब ये डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, 6 साल की लड़की हो सकता है KG में हो सकता है 12 साल की लड़की दूसरी क्लास में हो। बिल्कुल, क्योंकि डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं। कई लड़कियां तो ऐसी हैं जो जिनको हम लेके आए हैं और अभी एडमिशन कराई है हमने जी, ठीक है। तो फिर जो बड़ी लड़कियाँ होगी 18 साल की, उसको अभी वोकेशनल ट्रेनिंग कराई है या BCom में डलवाया या प्लस टू कर रही है, जब इतना उसको हमने योगा करानी, कंप्यूटर क्लासेस लगवाई, मैथमेटिक्स, सोशल स्टडीज़ एंड यू नो ये अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़ की शाम को कोचिंग दे रहे हैं, और 18 साल की एक दिन दो दिन ऊपर हुए हैं जी, इसको रिस्टोर करना है, हम उस लड़की को कहाँ भेजें। तो इस करके हमने आशी हरियाणा ने एकोमोडेशन ढूंढी, जो कि बच्चों को, रेस्टोर बच्चे को, अगर कोई नहीं है सपोर्ट करने वाला, अगर वो फाइनेंशियल सपोर्ट करने वाले होते तो वो लड़की हमारे पास क्यों आती। एब्सोल्युटली, और हम इतना उनको पॉलिश करके, इतना उनको वेल ट्रेंड करके सड़क पे तो छोड़ नहीं सकते जी, दिस विल बी वेरी अनफेयर, इससे बड़ा पाप कोई हो नहीं सकता मेरे मुताबिक जी। तो वो हमने उनको एक फ्लोर पे लड़कियां जो बड़ी हैं, जिसमें हमारी लड़की PhD भी कर रही है, जिसमें हमारी लड़की BCom फर्स्ट ईयर में है, BCom फाइनल ईयर, प्लस टू, ब्यूटी कल्चर का कोर्स, डेटा एंट्री ITI से सेक्टर 14, मतलब देयर इज एंडलेस लिस्ट, हम वहाँ पे रखते हैं एंड वी सपोर्ट जी। तो 18 साल की लड़कियों की ये, और जो उससे कम की है वो तो हमारे आपने देखा ही है, बड़े प्यारे प्यारे बच्चे, और कोई बच्चा 8, 10, 11, 12 साल, 6.5 साल की सबसे छोटी आराध्या है, और यू कैन सी हर इन द फिल्म, शी इज सच अ लवली चाइल्ड, सो लवली, और आराध्या की आदत है जब भी आती है ऐसे करके आएगी हाथ, अगर वो देखते हैं भी मैम जल्दी में हो, तो उसके हाथ अपने आप नीचे ले चले जाते हैं, फिर मैं देख के ना जाती हूँ, बेटे मैं जल्दी में हूँ, तेरे को हग करके जाऊंगी। तो किड्स आर रियली वेरी चार्मिंग, वाइब्रेंट, पर जो भी जाए वहाँ पे थोड़ा टाइम लगा के आए, उनसे इंटरेक्ट करे। कई व्यूअर्स, कई फ्रेंड्स या वो आते हैं, उनको ये लगता है भी ऑर्फनेज या डेस्टिट्यूट मीन्स बच्चे वहीं पे रहते, स्कूल नहीं जाते, इट इज़ नॉट लाइक दैट।
इट इज देयर होम बेसिकली. जैसे हम घर पे जाते हैं, हम घर पे रहते हैं, हम खाते हैं, हम आपस में मिलते हैं, और फिर बाद में हम घर से स्कूल पे जाते हैं, घर से कॉलेज भी जाते हैं, घर से काम पे भी जाते हैं, एंड दे हैव कम बैक देयर. सो आई थिंक दैट्स व्हाट आई एम. एब्सोल्युटली करेक्ट जसवी. हमारे अगर हमारे 70 बच्चे थे पहले, जब रिस्टोर होने से पहले, तो सभी बच्चे, नॉट इवन सिंगल चाइल्ड स्टेज फ्रॉम 8 to 2 PM. हाँ, वो सारे जाते हैं. मैंने बस जाते हुए देखी है, आते हुए देखी, इवनिंग के लिए भी जाते हैं. तो वी स्टेड देयर, मतलब यू सी दैट इन द फिल्म, एंड बच्चे बैग लेके स्कूल से आ रहे हैं, एंड यू नो, एंड आई यूज्ड टू बी वेटिंग देयर विद द क्रू, बच्चे कब आएंगे, एंड आस्क देम बच्चे कब आ रहे हो, कह रहे बॉडी रुक जाओ, आने वाले. फिर मैंने कहा तुम गेट खोलना ही, तब जब बच्चे आएंगे तो वी हैड टू, क्योंकि हाँ, क्योंकि यू नो द इनोसेंस ऑफ किड्स इज कि बच्चों से ना आप एक्टिंग नहीं करा सकते. They don't know. I mean, they are so innocent. They can't pretend कि we'll walk in a certain way. आप देखो ना, आप खुद भी कैमरा फेस करो. You can't pretend. They are so, I mean, जो natural है, अगर हम बच्चों को conscious कर देंगे ना मैम, तो that expression of innocence that really goes out. और जब 2:30 PM बच्चे स्कूल से आते हैं, different schools में जाते हैं, private as well as government. तो उसके बाद उनको कंप्यूटर की क्लासेस है, कोडिंग की क्लासेस इन द मॉर्निंग फ्रॉम USA, एंड इंग्लिश की अलग क्लासेस हैं क्योंकि इंग्लिश में कई बच्चे लैकिंग करते हैं, और योगा क्लासेस एवरी डे विदाउट एनी ब्रेक, गीता चैंटिंग बिफोर मील, दैट इज़ अवर रिलीजियस रिचुअल जिसको कह सकते हैं, एंड हर बच्चा एक कॉर्नर में अपने ट्यूटर के साथ बैठा होता है. आप कभी मर्जी चले जाएं 4 PM. जी, मैंने देखा है मैम कि बहुत सारे बच्चे कॉलेजेस के शाम को बच्चों को पढ़ाने के लिए, मतलब आई वाज देयर, एंड हम तो पूरा दिन पूरा क्रू में ही बैठ रहा था. 3:30 PM कोई आ रहा है, आई थिंक आफ्टरनून में भी, आफ्टर लंच में, टेबल पे मैंने देखा है कि, और बहुत 1:1 है. इफ़ समवन नीड्स हेल्प इन मैथ्स, तो वो सिर्फ मैथ्स, वन टीचर, वन, मतलब कॉलेज गोइंग स्टूडेंट या ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएशन में जो कोई होते हैं, वो आके कुछ टाइम जरूर दे के जाते हैं जी, और कंटिन्यूसली. एंड रादर मैम, मेरे को पता लगा कि मेरे कुछ जूनियर्स थे, उन्होंने कहा था कि सर आपने फिल्म बनाई है चितकारा यूनिवर्सिटी. हाँ, तो हम बच्चे, हम जाते थे वहाँ पे वो पढ़ाने. मैंने कहा गॉश, आई डिडंट नो दैट. तो सबसे ज़्यादा वॉलंटियर्स चितकारा यूनिवर्सिटी से हैं. चलो भाई, ये तो एंड बहुत डेडिकेटेड हैं, और अलग अलग सब्जेक्ट्स के, जैसे ओजस्वी ने बताया, वेरी सक्सेसफुल, ट्रेन्ड और ओबीडियंट, और जो रूल्स नॉर्म्स हैं हमारे वो फॉलो करते हैं. हमें आप नॉर्मल किसी बच्चे को कैसे आप क्लासिकल में भेजते हैं, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू अफोर्ड. लेकिन गंधर्व महाविद्यालय के डॉक्टर अनीता शर्मा, डॉक्टर अरविंद शर्मा वॉलेंटरली हमारे आशी हरियाणा के बच्चों को एवरी वीक ट्वाइस अ डे ट्रेंड करते हैं. सर, जस्ट सी द वर्किंग, आई मीन इससे ज़्यादा इंस्पिरेशनल क्या होगी. इट्स अ वंडरफुल बियॉन्ड वर्ड्स. तो मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप टाइम कैसे निकालते हो, मतलब हाउ आर यू मैनेजिंग टू सेल सो मैनी बोर्ड्स, आशी हरियाणा, फिर ये इसको वुमेन इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, स्किल डेवलपमेंट काउंसिल होगी, एंड यू आर ऑल्सो एन एग्जीक्यूटिव मेम्बर ऑफ सो मैनी ऑर्गेनाइजेशंस, तो आप खुद कैसे टाइम मैनेज कर रहे हैं हर चीज़ के साथ. मेरा ना टाइम बहुत अच्छा निकल रहा है, बहुत अच्छा. मेरे को उम्मीद नहीं थी इतनी भी मैं कभी ऐसे कोई सीरियल छोड़ सकूंगी, या ऑनेस्टली आई वाज जस्ट यू नो फैसिनेटेड बाय टर्की शोज, और वैसे जैसे वो टीनेजर कंबल में छुप के सुनते हैं और देखते हैं ना मूवी, जो पेरेंट्स मना करते हैं, तो मैं कई बार क्योंकि मेरे हस्बैंड इज लॉयर, और रात को पढ़ना एंड सुबह अर्ली उठना, तो मैं कई बार ना ईयर प्लग लगा के, मैंने कभी नहीं यूज़ किया ईयर प्लग क्योंकि कभी टाइम ही नहीं मिला, तो वो लगा के मैं देखती होती थी. पुरानी बात है, बिकॉज़ ही यूज्ड टू रीड, नहीं कुछ देखना हो अगर जी, जी. तो उसके बाद तो अब तो खैर मजे ही मजे हैं. एवरी टाइम आशियाना की बात हो रही है या कोई वेबिनार की हो रही है, एंड आई एम इन्जॉइंग, क्योंकि मैं इसको एक अपनी ड्यूटी मानती हूँ भी. मैंने एक टास्क पकड़ा है और एक इशारा भी समझती हूँ. आई एम वेरी स्पिरिचुअल इन दिस मैटर, तो सोचती हूँ भी अगर मेरे को पे किसी ने ट्रस्ट किया है, आशी टीम ने जी, जनरल सर, डॉक्टर विभा या हमारे मेम्बर्स ने,
तो मेरी भी ड्यूटी बन जाती है भी मैं आंसरेबल हूँ जी, और मैं उनके करके उनको मेरे लिए वो आइडियल कह सकते हैं, मेरे लिए वो एक रोल मॉडल कह सकते हैं, हालांकि उनकी अपनी क्वालिटीज़ हैं मेरी अपनी है, लेकिन मैं आई उनको देख के हूँ, क्योंकि इतना काम करना और मैं को पीछे रखना सेल्फ को बहुत कम होती है, और जब तक मेरा ख्याल है मेरे में एनर्जी है मैं इससे जुड़ी रहूँगी, और जो टाइम मैनेजमेंट है मैं छोटे होते भी मेरे को कॉम्प्लीमेंट मिलते होते थे भी तू ये भी कर लेती है ये भी कर लेती है, और मेरे परिवार के मेंबर ने मेरा नाम फिरकी रखा हुआ था राउंड द क्लॉक। और मैं एक अंदर की बात बताऊँ आपको, मेरे मदर इन लॉ कहते थे भी सिमी तू दोपहर में कभी सौंदी नहीं, तो मेरे हस्बैंड कॉम्प्लीमेंट करते थे, कहते मैंने तो कई बार डाउट लगता भी ये पुराने जन्म च भूत तो नहीं सी आई डोंट जी, मतलब मैं आराम से बैठती हूँ लेकिन हाँ। जैसे नैप लेना या कुछ है जी, वो शुरू से नहीं है। सो मैं वो टाइम जब लोग आराम से यू नो एसी में पड़े होते हैं तो मई जून का महीना होता है और मैं वो टाइम खाना खा के आशियाना में होती हूँ, आशियाना में होती हूँ, तो मैं ऐसे टाइम अपना मैनेज करती हूँ। मैम वेबिनार्स इतने हाल ही के दिनों में हुए हैं और आई हैव ऑलवेज सीन यू ऑन द ग्राउंड, और आप बच्चों से या जो बाकी टीचर्स हैं जो ट्रेनर्स हैं जो इतने लोग वॉलंटियर करते हैं, खासकर इतने ज़्यादा लोगों से आपका इंटरेक्शन रहता है, जब आप वेबिनार पे आए तो कैसा आपको ड्रिफ्ट फील हुआ, मतलब व्हाट वाज द मेजर चेंज? मेरे को तो कैमरा में बोलना नहीं आता था, मैं वर्कशॉप्स बहुत लेती थी अटेंड करती थी, बट फिजिकल प्रेजेंट बच्चों की क्राउड को आई एम टीचर ट्रेनर जी, ट्राई सिटी में प्राइमरी टीचर्स ट्रेनर, मैं सर्व शिक्षा अभियान में एनरोल्ड हूँ, साल में 4-5 मैं टीचर्स ट्रेनिंग देती हूँ जी, बिहेवियर्स पे भी, क्लासरूम मैनेजमेंट पे भी, लेकिन वो फेस टू फेस इंटरेक्शन होती है जिसमें मेरी एज से जो रिटायर होने वाले हैं उन टीचर्स को भी जी, मेल फीमेल को देती हूँ, पर कैमरे में नहीं होता था, मेरे तो बड़े पसीने भी छूटे और मतलब मैं ऐसे कभी डरी नहीं जितना मैं कैमरे से डरी हूँ। नहीं मैम के जैसी फेसबुक पे लाइव सेशन आते थे मैं भी कभी कोई ज्वाइन कर लेता था। अच्छा हाँ, मैं देखता था आप लिंक भी आते थे और मैं ज्वाइन कर लेता, अभी हाल ही में ही जब आशिका हुआ तब भी मैंने ज्वाइन किया। तो आप रेट करो उसको भी, ठीक था, कम्फर्टेबल था? हाँ जी, मतलब मैम अब नेचुरली 2020 में अब इतने करते 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 2021 खत्म होने को आ रहा है तो सारे ही लोग स्किल ट्रेन हो गए हैं इसमें, तो आई मीन ये ट्रेनिंग किसी मतलब नोबडी हैड ट्रेन्ड टू सेट अप अ कैमरा एंड लोगों से बात करने के लिए, ये कभी भी ट्रेनिंग का पार्ट नहीं था। हाँ, ये सेल्फ टॉट चीजें आई क्योंकि क्योंकि तब सारे घर पे थे, कोई घर आके सिखा नहीं सकता था, तो फ़ोन सीखे जैसे लोग कर रहे थे वैसी लोगों ने करा और वैसी सीखा। जब आप लोगों से ऑनलाइन इंटरेक्ट कर रहे थे तो उनका रिस्पांस कैसे आ रहा था, मतलब इन टर्म्स ऑफ उनका इंटरेक्शन कैसे हो रहा था आपके साथ, कि वो सारे स्क्रीन पे थे और देवर इक्वल इंटरेक्टिव, कि आपको लगा कि जब मैं एक्चुअली ऑन ग्राउंड इन सब के साथ इंटरेक्ट कर रही थी तो दैट इंटरेक्शन वॉज बेटर? हाँ वो बेटर है, वो बहुत बेटर है, और इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा भी होती थी। इसमें थोड़ा सा इसमें ना 2-3 तरह का फ़र्क है, जब मैं प्रोफेशनली कोई जैसे मैं कई जगह पे पैनलिस्ट हूँ मेंटल हेल्थ काउंसलर, तो वो मेरे को एज अ गेस्ट फैकल्टी मेरे को कॉल करते हैं किसी टॉपिक पे हमने बोलना होता है। लास्ट मंथ था मे बी टीनेजर्स एंड एडोलेसेंट प्रॉब्लम्स, तो उसमें डिफरेंट तरह के क्वेश्चन थे और बहुत अच्छे जो हमारे कॉन्वेंट स्कूल्स हैं चंडीगढ़ ट्राई सिटी के कई बच्चों ने पार्टिसिपेट किया जी। तो वो अलग तरीका था, बच्चे बड़े आउटस्पोकन और उन्होंने बाद में मेरे को मेल भी किए, तो वो बिल्कुल नज़ारा डिफरेंट था और आई वाज रियली ओवरवेल्म्ड, और जैसा मैं चाहती थी बच्चों ने वैसा ही सुना, क्योंकि एक टीचर चाहता है भी जो वो एक मैसेज देना चाहता है बच्चा कैच करे जी। वो द हुआ अगर कहीं और जाए, जैसे हमने विक्की का वुमेन्स इंडियन चैम्बर या आशियाना को कोई वेबिनार करते हैं वो डिफरेंट होता है जी, राइट, क्योंकि वो हम जो मैसेज देना चाहते हैं वो लेते हैं लेकिन इंटरेक्शन कम होता है, तो जो इन पर्सन या फिजिकल प्रेजेंस में होता है मेरा ख्याल है ज़्यादा वेटेज उसको हो जाती है, क्योंकि इंटरेक्शन अच्छा होता है
एंड वन टू वन क्वेश्चन आप देख सकते हैं, देख तो खैर इसमें भी सकते हैं जी जी, लेकिन प्रेफरेंस नहीं उसमें मैम। मैंने पर्सनली क्या फेस किया है, जब जैसे कुछ कॉलेजेस में मेरे को मुझे भी इनवाइट किया गया, तो नॉर्मली जब हम फिजिकली मतलब हम एक क्लास के सामने खड़े होते हैं या हम ऑडिटोरियम में खड़े होते हैं नॉर्मली, है ना, तो मुझे सारे लोग दिख रहे होते हैं, वो एक एनर्जी होती है और एक मोमेंटम होता है ना, कि व्हेन द कॉन्फिडेंस ऑफ स्पीकिंग ऑन द स्टेज या जिसको कहते हैं द कॉन्फिडेंस ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, वो ऑनलाइन सेमिनार्स में नहीं रही है। उसमें आपको एट द टाइम 4-5 लोग ही दिखते हैं जो उनके साथ आप मॉडरेट कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, बस वही दो लोग दिख रहे हैं, या आप सारा टाइम स्वाइप करके नहीं देख सकते कि कितने लोग हैं, राइट मैम, और कितने लोग तो अपना कैमरा बंद करके कभी कभार किचन में भिंडी भी काट रहे हैं और साथ में सेशन भी लगाया हुआ है। सो दैट वॉज प्रैक्टिकली हैपनिंग, बट जब जब लोग ऑन मतलब फिजिकल सेमिनार्स में आ रहे हैं या हमारा वन टू वन इंट्रैक्शन हो रहा है, तो दे आर देयर 100%, वो अपना कुछ ना कुछ टाइम निकाल के वहाँ आए हैं। तो दैट इज़ मेरे को लगा कि उस केस में सीरियसनेस ऑफ इंटरेक्शन, और फिर आप जब आप स्टेज से उतरते हैं वहाँ से उतरते हैं, तब पीपल कम एंड दे स्पीक टू यू, दे हैव देयर क्वेरीज, वो और ही और होता है। हाँ, यहाँ तो मुझे थोड़ी देर में बोल देते हैं, मैसेज आ जाता है, पर्सनल मैसेज, टाइम इज रनिंग आउट, 5 मिनट में हमारा जूम लिंक बंद हो जाएगा। तो मेरे को फर्स्ट टाइम जब ऑनलाइन कराया तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से, क्योंकि मैं हरियाणा जी मैम वो मैंने अटेंड किया था, है ना, तो उसका था इंडियन योग एसोसिएशन हरियाणा चैप्टर की, मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ जी। तो उन्होंने जब टॉपिक दिया तो मेरे दिमाग में पहला ये आया था भी कोरोना का काफ़ी टाइम निकल चुका, मेंटल हेल्थ पे करते हैं जी। तो उन्होंने तो मेरे को दिया सिर्फ 12 से 15 मिनट जी। अब जब एक टीचर जाग जाता है फिर तो आपको पता ही है भी, तो फिर मैंने उनको अपोलॉजी की, डॉक्टर जयदीप आर्या जो चेयर पर्सन चेयरमैन है, तो उनका कॉल आई मेरे को कॉन्ग्रेचुलेट करने का भी, इतना अच्छा गया अच्छा। तो फिर जब वो बोल चुके मैं जी माई अपोलॉजी, कहते नहीं नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं अपोलॉजी किस बात की, इतना अच्छा चलाया और आपने जो बोला बड़ा रेलिवेंट था एंड अप टू द मार्क था, सो वेरी नाइस। आपकी बात सही है भी, कई बार जो रेस्ट्रिक्शन टाइम रेस्ट्रिक्शन होती है वो फॉलो करनी पड़ती है, लेकिन जब आप एक लाइव कर रहे हैं और एक ऑरा क्रिएट कर रहे हैं, लाइव एनर्जी इज लाइक वंडरफुल वंडरफुल, वो अलग है। मैम आपने जिक्र किया था कि एडोलेसेंट इश्यूज के बारे में आपने टॉक किया, तो थोड़ा सा बताओ व्हाट आर दी मेजर एडोलेसेंट इश्यूज दैट आर देयर नाउ। हम एक अनप्लग्ड सीरीज कर रहे हैं ये, बिल्कुल ठीक है, तो मैं बड़ी ऑनेस्ट बताऊँ आपको बात, जिस परिवार से मैं हूँ, मेरी मदर हेड टीचर रिटायर हुए जी। तो उनका ना एक डिसिप्लिन था, अभी इस टाइम पे खाना, इस टाइम पे ये, और वैसे भी बेडरूम में चाहे 2 बेडरूम है चाहे 3 है, मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, प्लेटें गोदी में रख के खाना खा रहे हैं, नहीं प्रॉपर टेबल पे एंड वो एवरीथिंग वेल प्लान्ड वेल मैनर्ड बिहेव जी। तो मेरे को, मैं जब ये मास्टर्स कर रही काउंसलिंग की, तो उसमें साइकोलॉजी में आते हैं अभी ये बिहेवियर चेंजेस, बायोलॉजिकल चेंजेस, तो मैं पढ़ती हुई सोच रही थी, और जिस भी सच्ची में आप बिलीव करो भी, ये पीरियड मेरे में आया ही नहीं, आई नेवर बीन एन एडोलेसेंट, सच्ची मैं बच्चों से भी डिस्कस किया अभी, मेरे को लगता नहीं भाई ये पीरियड आया था। वहाँ पर लिखा हुआ है एडोलेसेंट एज, इट्स ए एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म्स, तो हमारे में तो कभी स्टॉर्म आया नहीं, हम तो बड़े बिब्बा बच्चे थे। फिर मैंने अब मेरी, वी आर 4 सिस्टर एंड ऑल आर इन अब्रॉड, तो मैंने उनसे डिस्कस करना, वो कहते हाँ सिम्मी ये अपने तो आया नहीं आपा। सो ये ना मैं अब बच्चों में देखती थी, चाहे वो मेरे बच्चे थे, टेंट्रम्स बिल्कुल नहीं किए, क्योंकि मैंने बताया बिफोर आशियाना कम्प्लीटली हाउसवाइफ, अभी भी हूँ। तो मैंने बच्चों को देखना भी, हमने जैसे माँ बाप ने कहना वैसे कर लेना, ये खाना है जी, सर्दियाँ गर्मियाँ के शूज़ हैं जी, है ना, कपड़े जैसे, तो ये वाले बच्चे में भी देखो चीज़ें भी बदल गई, उनको नई नई चीज़ें मिल रही हैं, और स्पोर्ट बहुत है, फिर एक्सपोजर बहुत हो गया जी, एंड फैसिलिटीज़ बहुत हैं, फिर फाइनेंशियल स्टेटस भी फ़र्क पड़ जाता है टाइम के मुताबिक। पर बिहेवियर क्यों बच्चे में ऐसा होता है, क्योंकि ना शेयरिंग करते हैं और उनकी जो कम्युनिकेशन है वो भी सिमती जा रही है, अभी पेरेंट्स के साथ कम बैठना जो ऑब्जर्व किया मैंने जी। सो ये कारण थे भी मैं एडोलेसेंट की मैंने स्पेशलाइजेशन की जी, एडोलेसेंट हेल्थ एंड काउंसलिंग फ्रॉम RCI।
फिर उसके बाद बिहेवियर्स की टीनेजर्स की। सो ऐसे करते करते जब बच्चों से बात करती हूँ, चाहे वो आशियाना के हैं, वो बच्चे आजकल एक ही बात करते हैं, व्यूअर्स भी हमें सुनो। माँ बाप क्या करते हैं भी, अगर वो टीनेजर या एडोलोसेंट एक बैल है सींग वाला, उसको नंदी बैल जो शिवजी का बैल है वो बनाने में लगे होते हैं, वो मत बनाओ अभी, बस उनको सुनो। और थोड़ी देर के लिए जब भी कोई टेबल पे बैठे हैं, डाइनिंग टेबल पे या आपके साथ बैठे हैं, तो हमें होता है ये मौका मिल गया, बस ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी और अपना ब्ला 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 बोल दें। वेट, चिल, लेट दैट पीरियड गो, उनको बोलने दो, उनको सुन लो अच्छी तरह, क्योंकि यहाँ पे वो नहीं चलेगा गर्म है लोहा मार दो थोड़ा बेंड हो जाएगा, नहीं। वो ये अगर लोहा गर्म है और आपने हथौड़ा मार दिया तो जो आपका करा कराया है वो भी गया, ऑनेस्टली। तो आप वेट करें और एक अच्छा टाइम पीरियड जब आपको लगे भी बड़ी अच्छी ट्यूनिंग बॉन्डिंग चल रही है बच्चे के साथ और बच्चा आपके साथ बैठा है, देन स्पिल आउट। और अच्छे तरीके से लगे भी एक दो फ्रेंड्स बात कर रहे हैं एंड आप उसको एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी कंसीडर करें। right. हम करते ही नहीं, मास होती है तो एक्सटेंशन ऑफ अस ही चल रहे हैं, करेक्ट। मास होती है बच्चा ही नो की अकल है, अरे भाई वो आप अपने जमाने की मत सोचो, डोंट रिपीट दैट हिस्ट्री, ठीक है, आपके होता था ठीक है, अब नहीं होता, सो एक्सेप्ट इट। सो द पेरेंट्स इस बात को माइंड मत करें, ये ओपिनियन है भी, आप अपने को थोड़ा साइड पे रख के बच्चों के शूज़ में पैर रख के सोचें, क्योंकि थिंग्स आर चेंजिंग वेरी ड्रास्टिकली, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो डिनाइल में चले गए लॉस उनका है, दैट्स इट, मोटा सा फंडा है। और अगर आपने बच्चों के साथ उनकी लाइफ इंजॉय करनी है, देन शांति से बैठ के उनको सुने और उस टाइम पे भाषण और जो लेक्चर है वो मत दें, क्योंकि मैं तो आजकल फ्रॉम मैनी ईयर्स मैं बड़ा इंजॉय करती हूँ। तो आपने पूछा भी था मोबाइल के बारे में भी, जी जी मोबाइल के बिना हाँ कैसे हा। तो मैं अपने हस्बैंड के साथ जब वॉक पे जाती हूँ, डेढ़ घंटा मेरा मैं मोबाइल नहीं उठाती, बिल्कुल भी नहीं, घर पे होता है ऑन होता है, और आके फिर खाना वगैरह का कुछ देखना या बच्चों के साथ बैठना है। मोबाइल की खासियत यही है, मिस्ड कॉल देख के दोबारा कर लो, पर अपना फैमिली टाइप पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, एक्सक्लूसिव उनको दो, यू नो आपकी प्रेजेंस इट मैटर्स अलॉट। कई बार ये होता है वो तो काम कर रहे हैं, मैं भी तो बेली बैठी हूँ, मैं क्या करूँ, इट मैटर्स, आपकी प्रेजेंस होनी ही बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात, जब भी आपको टाइम मिले खाना खाते हुए, स्पेशली मदर्स के लिए कह रही हूँ मैं, क्योंकि आजकल जो भी, क्योंकि मैं काउंसलिंग प्रोफेशनली भी करती हूँ, जितने भी मदर्स आती हैं वो ये कहती हैं, सिमी मैम ए कह दियो बच्चे नू, ए कह दियो बच्चे नू, ए कह दियो, माने वो आप एक डॉक्टर को बोलने जा रहे हो जी मेरे बच्चे नू कॉफ कोल्ड होया हुआ, तुसी ये मेडिसिन लिखनी है, हाउ कैन इट बी पॉसिबल। और जब बच्चे से हम सेशन पे बात करते हैं 3-4 सेशन के बाद, तो पता चलता है बच्चा इज़ परफेक्टली फाइन, ही इज़ नॉट बीन हर्ड, बस एक्सपेक्टेशन गैप है मैम ये कहते हैं, एक्सपेक्टेशन गैप। और माँ बाप ये सोचने को तैयार नहीं, दे आर जस्ट कंपेयरिंग, उसका बच्चा ये कर रहा है तू क्यों नहीं कर रहा भी, उसकी आप कैपेसिटी देखें। अब ये टम्बलर है, ये हमारा मग, अगर इसमें 200 ml आ रहा है और मैं कहूँगी ओजस्वी इसमें तो 230 ml डालना ही है, तो पानी बह जाएगा, इट विल स्पिल, सेम विद द पर्सनैलिटी, करेक्ट। अगर उसकी कैपेसिटी ये काम करने की नहीं है, मैं कैसे फोर्स कर सकती हूँ ये पर्सनैलिटी को, ही में एक्सेल इन अदर थिंग्स, एब्सोल्युटली, है ना। वो पेरेंट्स टाइम देने को तैयार नहीं, मदर इज़ बिजी, फादर इज़ बिजी, सो जस्ट गिव योर क्वालिटी टाइम, दैट्स इट। मैम एक मेरे मन में वैसे ही सवाल आया है कि जैसे अगर बहुत सेट ऑफ पेरेंट्स वर्किंग हैं, मान लो अब न्यूक्लियर फैमिलीज जैसे हैं, और उसमें बहुत सारे पेरेंट्स मतलब वर्किंग इन या बोथ आर वर्किंग, तो बच्चे अब जैसे घर में नैनी है या केयर टेकर है या उनके पास छोड़ के चले जाते हैं, सो डू यू थिंक द डेवलपमेंट में थोड़ा सा थोड़ा अगर अंडर पेरेंटल गाइडेंस थोड़ा ज़्यादा बच्चे अगर नर्चर करें और ड्यूरिंग एक्सटर्नल हेल्प अगर वो नर्चर कर रहे हैं, तो उसमें डिफरेंस है? अलॉट, बिल्कुल,
अगर पेरेंट्स दोनों जॉब वाले हैं, मैक्सिमम आजकल तो केस में ऐसे ही हो रहा है जी, वैसे बच्चा ही नहीं, आई मीन दे जस्ट यू नो एक्सक्यूज भी हमने अपना प्रोफेशनली एक्सेल करना है उसके बाद हम फैमिली प्लान करेंगे जी, विच इज़ अ मेजर इशू दीज डेज। क्योंकि जब मैं डोमेस्टिक वायलेंस पे काउंसलिंग करती हूँ, मैरिज काउंसलिंग करती हूँ, तो मेरे पास जो क्लाइंट्स हैं वो यही लेके आते हैं भी फैमिली इज प्रेशराइजिंग, भी बच्चा करो फैमिली करो बट आई एम नॉट रेडी। चलो ये जो नैनी रखनी है या मेड या सर्वेंट रखना है, जो सर्विस वाले मैं उस पर सेकेंड आऊँगी। फर्स्ट मैं जो पेरेंट्स काम फादर काम कर रहे हैं मदर काम नहीं कर रहे, हाउस होल्ड हैं हाउस वाइफ्स हैं उनके लिए है, क्योंकि मैं रिसर्च पे का बात कर रही हूँ जी, जो मेरे क्लाइंट्स आते हैं उसी बेस पे बात कर रही हूँ। वो मदर्स घर पे रह के भी दे आर बिजी इनटू यू नो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, आई डोंट नेम किटीज और क्लब्स और एनीथिंग, तो वो जो खुद टीच कर सकती हैं एक दो घंटे डेली तो वो ट्यूटर्स रखती हैं, और जो खाने का टाइम है वो नैनी या सर्वेंट खिलाता है, चाहे वो फीमेल बच्चा है चाहे मेल है। तो आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं भी वो क्वालिटीज, वो लैंग्वेज जो ग्रास हम बोल रहे हैं जैसे जी आर ए डबल एस, तो वो लड़की मेड ग्रेस आंटी ये ग्रेस पे बैठा है, तो वो तो वही लैंग्वेज अडॉप्ट करेगी बच्चा जो छोटा बच्चा है जी। तो जो जॉब नहीं कर रहे मदर्स, माई रियली सिंसियर रिक्वेस्ट, प्लीज स्पेंड क्वालिटी टाइम विद योर यू नो इन्फेंट, योर टॉडलर, योर चाइल्ड जी, ताकि वो आपकी क्वालिटीज ले, ना कि मेड या सर्वेंट की। बिल्कुल। अब आते हैं हम जो जॉब वाले हैं जी, उनके लिए तो प्रॉब्लम है क्योंकि वो उन्होंने जॉब करनी है, अर्न करना है यू नो। तो उसके लिए अगर जब आप रखते हैं तो मेक श्योर एक हम्बल बैकग्राउंड की हो, ताकि वो लैंग्वेज पे उसका कंट्रोल हो जी, ये सबसे बात। सेकंड, हाइजेनिकली क्लीन हो और बच्चे को हैंडल करना आता हो विद प्यार केयर, क्योंकि अगर बच्चे को थोड़ी सी भी एब्यूजिव या वॉयलेंट बिहेवियर की मेड या सर्वेंट मिल गया तो जब बच्चा बड़ा होगा तो ये दिक्कत आपको ही आएगी, सर्वेंट या जो हेल्पर है उसको नहीं आएगी। सो प्लीज लुक इन टू इट एंड मतलब मैम, जितना लोग हम अच्छे स्कूल्स की तरफ देखते हैं या जैसे हम अच्छे टीचर्स की प्रेफरेंस करते हैं, तो यहाँ पे भी हमें वो क्वालिटीज चाहिए बेसिकली, क्योंकि स्कूल से ज़्यादा बच्चा वक्त घर पे गुजारता है। छोटे बच्चे की बात करें तो स्कूल में 4 घंटे 6 घंटे, फिर बाकी के 18 घंटे बिफोर गोइंग टू स्कूल, आफ्टर कमिंग फ्रॉम स्कूल, इवनिंग्स हो गई, नाइट्स हो गई, सोलाना, उठाना, नहलाना, मतलब सारा कुछ करना। मैं तो कहता हूँ मैम, घर के हर चीज़ में एक इमोशन छुपा है। हमारे हम जो खाना बनाते हैं, आई थिंक जो खाना एक मदर बना सकते हैं या एक फादर बना सकते हैं, कि यार बिकॉज आई कैन से इट फ्रॉम माई परस्पेक्टिव है ना, तो एज वेल तो अब तो अगर लविंग एंड केयरिंग एंड कंसिडरेट हैं तो उसमें सिर्फ मैं कहूँगा कि रोल सिर्फ मदर का नहीं होना चाहिए, फादर का भी इक्वली होना चाहिए। मैम के बात से तो है ही, क्योंकि एक जनरेशन रही है हमारी जिसमें फादर्स हैव वर्क मोर एंड मदर्स हैव टेकन केयर ऑफ द होम्स, लॉट ऑफ देम, क्योंकि मेरे मदर भी मैम वर्किंग हैं, सो आई नो इट वेयर दिस थॉट कम्स फ्रॉम, बट बहुत, और मैं आई मीन यू नो आई ट्राई टू पुट लॉट ऑफ एफर्ट इन टू द हाउस एज वेल। तो ये इमोशन दोनों का है, और क्योंकि मैम मैं साफ कहता हूँ कि बच्चा एक से तो हुआ नहीं, दोनों से हुआ मिलके, तो दोनों के इमोशन हैं, तो थोड़ा डिवाइड होके या थोड़ा ऑप्शन लेके आप अटेंड करें, क्योंकि हर घर की चीज़ में इमोशन है। व्हेन आई ग्रू अप मैम, एंड जब हम घर से बाहर निकल गए तब हमें घर की याद आती थी। अगर वो याद ही नहीं है, और मेरी घर की याद ही यही है कि मम्मी पापा तो होते नहीं थे और मैं ऐसी आवारा था और ये करता था और जो मांगता था मिलता था, तो बाहर निकले तो फिर सोचा दुनिया ने तो कुछ दिया नहीं, तो द वर्ल्ड इज़ बैड फॉर मी, है ना, क्योंकि जो चीज़ पे हाथ रखा वो तो मुझे मिल गया। मैं तो जो ये बात है ना भी मेल फीमेल दोनों काम करें बच्चे के लिए भी, या जी जी जी, मेरे हस्बैंड कुक तो है ही नहीं बिल्कुल भी पर वो एक कप चाय बना के मेरे को खुश कर देते हैं,
चाहे वो आई मीन दिस इज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी है ना, तो वो जो कंट्रीब्यूशन है मेल की वो आप किसी भी तरह कर सकते हैं। तो मैं कुछ जब भी आता हूँ, हाँ, yeah. बंदे अच्छे कुक भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। I wish. मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि जैसे आप तो खैर चलो ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से एकदम ही घर में बहुत लोड पड़ गया कि बच्चों के सामने एकदम से ही जो बच्चे क्लासरूम्स में थे है ना, अब हमने आनंद शिक्षा के लिए भी मोर देन 50+ मोबाइल फोन्स ही लिए हैं, तो हाँ जी मैम है ना, तो एकदम से ही जब हम बच्चों को जिस चीज़ से थोड़ा सा देर हम डिले करते हैं कि टिल अ चाइल्ड रीचेज अ सर्टन एज की मान ली 13, 14, 15 कि जैसे शायद मैंने अपना पहला सेलफोन अपने टाइम में 14-15 साल की उम्र में था जब मुझे मिला था, और वो भी वी वर नॉट अलाउड ऑब्वियसली कि हम स्कूल ले जा सकें, वो घर पे ही होता था, उसमें हम गाने वाने सुन लेते थे और स्नेक एंड लैडर गेम खेल लेते थे, स्नेक की गेम होती थी जी। तो अब बच्चे उसी पे वीडियोस भी देख रहे हैं, अब उस पे पढ़ भी रहे हैं, मतलब दिस थिंग इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू फॉर 6-7 hours नॉन स्टॉप, मोर देन दैट। तो द डिवाइस फॉर अ चाइल्ड नाउ टेक्स ऑलमोस्ट 1/3 और मे बी हाफ द डेज टाइम, क्योंकि वो घर पे भी जब बैठते हैं वो अपने पेरेंट्स को भी देखते हैं कंटिन्यूसली ऑन द फोन, व्हाट्सएप या ये फटाफट स्क्रॉलिंग चल रही है, घर में घुसे फोन, ये घुसे फोन, सारा गैजेट्स ऑल द प्लेसेस। तो मैम बच्चों पे, बच्चों के डेवलपमेंट पे अब किस तरीके का असर पड़ रहा है ऑन टू मच विद द मोबाइल फोन, चाहे मैं कहूँगा कि ये प्री मेच्योर अगर अब मिल गया है तो। देखो जो बच्चे स्कूल गोइंग है उनके लिए तो नीड बन गई थी क्योंकि वर्चुअल क्लासेस थी और टीचर्स ने लगानी थी। हम एक बेसिक चीज़ देखते हैं, एक मदर जो ट्राई सिटी की बात ले लो, क्योंकि चंडीगढ़ मोहाली एंड पंचकुला इज फ्लडेड विद गुड स्कूल्स राइट, चाहे वो कॉन्वेंट हैं या दूसरे स्कूल्स हैं, तो हर मदर का ये होता है भी मेरा बच्चा अगर सुबह 7:30 स्कूल जा रहा है, 2:30 बजे स्कूल से आ रहा है, उसके बाद वो 1 घंटा घर में बैठने को अलाउ नहीं करती उसको भी, लगातार बैक टू बैक ये क्लासिकल में भी जाए, गिटार भी सीखने लग जाए, और इवनिंग में इसको फ्रेंच भी आ जाए, जर्मन भी आ जाए, एंड यू नो योगा वगैरह तो बाद में की बात है, वो अभी क्योंकि वो फैशन में नहीं है ना, तो वो सोचते कम है योगा की, ये तो नीड हो गई हाँ, क्योंकि ये तो मुझे सुन के बड़ा अजीब लगा ये क्योंकि वो फैशन में नहीं है ना, जिस दिन ऑल थैंक्स टू बाबा रामदेव जी जिन्होंने इसको स्प्रेड किया, नहीं तो ये बुक्स में ही रह जाती। मदर्स बैक टू बैक बच्चे की क्लासेस लगा रही थी कोविड से पहले जी, और बच्चा का शाम को थक के आ रहा था। इवन कई मेरे ऐसे पेशेंट्स या क्लाइंट्स रहे हैं जो मदर कार का एसी ऑन करके बच्चे को रिफ्रेशमेंट खिलाती थी, घर नहीं लेके आती थी भी, ताकि मैं उसके बाद डांस क्लास के लिए चली जाऊँ और बच्चे को ट्यूशन के लिए भेज दूँ। आप इमेजिन कीजिए 2:30 बजे बच्चा आ रहा है थक के, उसने नैप भी नहीं ली। तो ऐसे केसेस एक नहीं बहुत हैं। इधर आ गया जी कोविड, अब वो जो बच्चे को आदत पड़ी थी बैक टू बैक एंगेज रखने की जी, वो क्या करे, मदर हैंडल नहीं कर सकती क्योंकि उसने आदत नहीं डाली बच्चों को साथ बैठने की, गॉसिप की हो, बच्चे की कोई बात सुनी हो, अब ऐसी दिस इज नॉट एप्लीकेबल ऑन ऑल मदर्स राइट, इट्स बेस्ड ऑन मैम्स एक्सपीरियंस जो मेरे पास क्लाइंटेल आती है एग्जैक्टली, so they are already obviously when she calls them clients and patients, तो इसका मतलब वो happy तो कोई खुशी तो बांटने आता नहीं, मेरे को पता है मैम, they come with their set of problems only, तो फिर आपके इतने engaged कर दिया बच्चे को कोविड में, आई ओपनिंग माई गॉड मदर्स का बुरा हाल, वो क्या करें। तो बच्चा चलो स्कूल की वर्चुअल क्लास कितनी लग जाएगी जी, ठीक है 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे, उसके बाद तो खैर लगातार लगी हैं, उसके बाद जो क्लासेस हैं काफ़ी गैप के बाद वर्चुअल हुई, चाहे वो योगा की थी, डांस की थी या कोचिंग की थी सब्जेक्ट की। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आई भी उसमें भी माँ को साथ बैठना पड़ रहा है, सो प्रॉब्लम यहाँ पे मदर को है भी, मैं अपने बच्चे को इतना टाइम दे रही हूँ मैं कैसे करूँ, सफोकेट हो रहे हैं। और रही बच्चे छोटे बच्चे की है, आई अगेन रिपीट माई लाइन, अपने बच्चे को टाइम दें, अपनी प्रायोरिटीज चेंज करें थोड़े साल तक,
उसके बाद इन्जॉय योर लाइफ मदर्स के लिए जो यंग मदर्स हैं, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं जिनके लिए यशस्वी जैसे आपने बताया भी एडिक्टेड हो गए अब, क्योंकि बच्चे बैठ के इसके साथ इतने एडिक्टेड हो गए वो फिजिकल एक्टिविटी करना ही नहीं चाहते. मदर्स और फादर जो पेरेंट्स हैं वो इंगेज ही नहीं करते. हमारे पास आते थे तो हम समझाते थे भी आप लोग इसको कोई टास्क दे देना, सपोज मार्केट का ही देना है, अभी ये लिस्ट है भाई, ये रहे 2000 रुपये, ये लिस्ट है आप ले आओ, बिल तो निकल के आई गई. उससे अकेला वो बच्चा सामान लेने नहीं जा रहा. कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, फिजिकल एक्टिविटी, तोल माव करना उससे, और आई कॉन्टैक्ट, यू नो, उसकी पूरी डिवेलपमेंट बच्चे की हो रही है. तो आप एक छोटे से बच्चे को तो नहीं मार्केट भेज रहे, आई मीन यू आर सेंडिंग अ टीनेजर और अच्छे खासी उम्र के बच्चे को भेज रहे हैं जी. तो जस्ट यू नो थिंक अबाउट इट, आपने बच्चे को कैसे इन्वॉल्व करना है. अब जैसे आपने बताया भी आप भी काम करते हो घर का, मेरा बेटा भी करता है, ही इज सच ए वेरी गुड कॉफ़ी बनाना, शेक्स बनाने, कुक है अच्छा. तो आप अपने बेटे को, क्योंकि अब वो जमाने तो रहे नहीं भी बिटिया को बोलना चल तू टेबल लगा किचन में, या खुद करते हैं हम सारा, यू नो सब सिखा देते हैं. एक्चुअली थोड़े दिन अकेले रह लो, साल दो साल ना, तो कोई चारा ही नहीं. मैम जब हमने स्ट्रगल की ना, मैं बड़े ओपनली बता रहा हूँ, जब बॉम्बे चले गए हम, है ना, तो मैम वहाँ तो पहले तो रेंट अलग, फिर आपने कोई कुक रखना तो यू आर डन डेवास्टेटेड, लुट जाओगे आप. तो मैम जाके तो सारी चीज़ें खुद लेके आ रहे हैं, कर रहे हैं, तो खुद ही करना सीख लिया था. तो फिर अपने बच्चों को, स्पेशली बॉयज़ को, लड़कियों को भी जी, एक यू नो अपना काम आपस में डिवाइड करें. मैम ये बेसिक स्किल है मुझे लगता है, खाना बनाना अपने लायक ही सही और अपने पेरेंट्स के लिए भी. आप अपने, क्योंकि कभी ना कभी लाइफ में कोई तो कम सक्षम हो गई, एक दिन हम भी एक उस एज में चले जाते हैं. तो मैं ऐड कर रही हूँ जसवी, अभी खाना क्यों बनवाना है, मगर अगर इंटरेस्ट नहीं है टेबल ले कुछ भी हो, है ना, कुछ भी हो, उसको जब खाना खा चुके बर्तन उठा के रखने, ये सारे काम ही हैं जी. और उससे क्या होगा, आपकी एक बॉन्डिंग बनेगी बच्चों के साथ, क्योंकि जब बच्चा आप किचन में खड़े हो या बाहर खड़े हो, बच्चा मूव कर रहा है आपके साथ बात कर रहा है, और ये दिस इज बेस्ट कम्युनिकेशन. And try to listen, try to, you know, explore things. और पर उस टाइम पे कोशिश करें, अगर बच्चे को आपने कहा है भी तू टेबल लगाना है, तो वो एक्सपर्ट नहीं है, तो जो उसने लगाया उसको एनकरेज करें, राइट. ये नहीं है भी तेरे तो नंबर कट गए, कल तू टेबल नहीं लगाएगा, तेरा ये हो जाएगा, तेने मेरी नक कटा दी. मैम ये बताओ कि बच्चे ऐसे पेरेंट्स के साथ कैसे डील करें. वो तो चाहते यही है भी, माँ ने भाषण देता कल मैं टेबल ही नहीं लगाना, बिकॉज यू डोंट लाइक इट. आपने पेरेंट्स को तो सिखाया है बच्चों के साथ कैसे करना है, आप बच्चों को भी सिखाओ कि, मतलब आई एम श्योर आप कर रहे हैं, कि पेरेंट्स के साथ समटाइम्स कैसे डील करना है. जो लास्ट वेबिनार हुआ था उसमें बच्चे ने पर्सनल रखा अपना नाम छुपा के भी, माय आई एम एक्स वाई जेड एंड माई मदर इज नॉट लिसनिंग टू मी, सो व्हाट शुड आई डू, वेयर टू कॉन्टेक्ट, आई डोंट वॉन्ट टू कम टू अ काउंसलर. सो क्योंकि मेरा वॉलंटियरली था, सो आई डिडंट चार्ज एनीथिंग, सो मैंने उसको काफ़ी गाइड किया, तो आपका ही वो आंसर दे रही हूँ. तो उसको कहा बी पेशेंट बेटे, आप थोड़ा सा मदर की बात सुन के उसको, जब भी आपको टाइम लगे उसको बिठाओ एंड लेट हर एक्सप्लेन एंड देन यू एक्सप्लेन बी आई एम फीलिंग दिस वे, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं किस ट्रॉमा से, या मेरे अंदर क्या एंग्जाइटी है, या कुछ मूड स्विंग्स, कुछ नहीं बहुत होते हैं क्योंकि दिस एज इज़ नोन एज acute stress and storms. तो वो शेयर करो, माँ को सपना थोड़ी आया जैसे हमें है, हमें तो अब जाके पता चला, मतलब 2000 के करीब भी, अच्छा जी जमाना इतना चेंज हो रहा है, क्यों, क्योंकि जब अपने बच्चे चेंज हो रहे थे. पर फिर वही है ना, मैं भी साइकोलॉजी पढ़ी हुई थी या काउंसलिंग में थी, तो आई ट्राई टू चेंज माई सेल्फ, जबकि मेरे को इतना कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलते भी आप चेंज हो गए, वो कहते अभी और होना है, तो मैं हंस देती हूँ, हाँ हाँ हाँ. बच्चे कई बार कहते हैं मम्मा आपने ये नहीं किया, मैं कहती हूँ हाँ ठीक है जी, ओके, इट्स अ गुड कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि मैं उनके साथ इंजॉय करना चाहती हूँ. स्टॉप बी जजमेंटल. ऐसे ही वो जो बच्चा टीनेजर या एडोलेसेंट की हम किसी की बात करें एग्जाम्पल, वो थोड़ा सा आगे आए, क्योंकि मदर को नहीं पता भी आप इस मूड स्विंग से सफ़र कर रहे हैं, प्लीज़ कम अप. हाँ अगर नहीं आपको कोई बैरियर है, आप अप्रोच नहीं कर सकते,
सो फ़ोन आपके पास है, आप मेरे तो कुछ स्टूडेंट्स ने फ़ोन पे रिकॉर्ड करके अपने मदर को दिया एंड मदर वाज वेरी टच्ड एंड शी ट्राई टू चेंज, दिस इज़ अ वेरी गुड गैजेट सो यूज़ इट. लेकिन आपने आपको आइसोलेट और लोनली वाली सिचुएशन में मत डालो जी. स्पीक अप. मैं वही चाह रहा था कि ना वो एक गैप मैं इसी चीज़ पे आने वाला था कि बच्चे ना समटाइम्स स्टार्ट हाइडिंग व्हाट दे फील एक्चुअली. और पेरेंट्स भी समटाइम्स आई फील कि मतलब एक जनरेशन हमने देखी मैम जिसमें ना पेरेंट्स वर वेरी केयरफुल ऑफ व्हाट दे यूज्ड टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ अस सो दैट व्हाटएवर रिमेंड व्हाटएवर द टेंशन वाज बिटवीन देम और विद इन द फैमिलीज वो हमारे तक नहीं आई ताकि हम एक्चुअली एक अपने प्रोटेक्टेड इम्पार्शियली हम ग्रो किए. हम प्रेजुडिस नहीं रहे कि अच्छा ये ऐसे ही होता है ये वैसे ही होता है. मतलब शायद मैं कहूँगा कि शायद मेरा एनवायरनमेंट ऐसा था. प्रोटेक्टेड ही कहेंगे इसको जैसा भी आप कहेंगे बट कुछ आई हैव सीन घर पे आपके पास केसेस में हम आते हैं दे आर फाइटिंग एंड दैट इज एडवर्सली अफेक्टिंग द चिल्ड्रन. फिर उन्हें लगता है कि रिलेशनशिप्स होते ही ऐसे हैं बिकॉज उन्होंने देखे ही है ये. सी मेजोरिटी जो बच्चे सफ़र कर रहे हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस से. अब जो नॉर्मल व्यूवर्स हैं आई मीन जो आम जनता है वायलेंस डजंट मीन भी हाथापाई हो रही है थप्पड़ हो रहे हैं या कुछ है. वायलेंस आँखों का घूरना भी हो सकता है मतलब स्ट्रॉन्ग स्टेयरिंग राइट और एक आई कॉन्टैक्ट स्ट्रॉन्ग हो सकता है बच्चे को जिसको कहते हैं भी मैंने मैसेज कन्वे कर दिया राइट. हम पैट बच्चों को मैं मोस्टली आशियाना में अगर कोई गेस्ट बैठे हैं और किसी बच्चे ने विश किया तो हाथ आँखों से ऐसे कर दिया राइट. और एक रूपा हमारी शरारती है ना तो जब भी उसको बुक्स लेके बैठती है तो इधर उधर भागती है तो मैं उसको कर तो मतलब इतना ही कन्वे मतलब योर साइलेंस स्पीक्स राइट. तो ये बच्चे जब होते हैं तो प्लीज़ अपने आप को आइसोलेट मत करें. आइसोलेट कब होते हैं जब कम्युनिकेशन बंद हो जाती है. कम्युनिकेशन कब बंद होती है जब दोनों पार्टीज़ मतलब एक मम्मी की पार्टी पेरेंट्स की या फैमिली की एक बच्चे अलग जजमेंटल अपने आप ही पहाड़ बना रहे हैं सोच सोच के वो क्या कहेंगे. वो इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि एक कड़ी है दिस इज़ अ सर्कल. वो इसलिए क्योंकि वो एक्सपेक्ट बहुत कर रहे हैं पेरेंट्स. सो प्लीज़ पेरेंट्स एक्सपेक्ट करें बट नॉट टू हाई राइट. आपको पता ही होगा भी आपका बच्चा क्या कर सकता है. माइंडेड बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं. ऑफ कोर्स बच्चे एक एक चीज देखते हैं एक एक चीज सुनते हैं और मतलब वो हर चीज ऑब्जर्व करते हैं. मैं खुद था ऑब्जर्वेंट. मैं हैव सीन एवरीथिंग इन द हाउस. और डोमेस्टिक वायलेंस में पेरेंट्स लड़के फिर एक हो गए फिर शांत हो गए और जो सफरर है वो बच्चा है. क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता उसको पता ही नहीं भी ये क्या हुआ. आप सुबह फिर तैयार होकर अपनी जॉब पे चले गए अपने काम पे लग गए यू नो अपना या शाम को फ्रेंड्स के साथ बैठ गए पर बच्चे के एक चिप बन गया एंड बच्चा सफ़र कर रहा है. वो इतना बुरा हाल हो जाता है ट्रॉमेटिक हो जाता है. वो ना स्कूल में इंजॉय करता है ना अपने सिबलिंग के साथ करता है क्योंकि हर एक की इमोशनल कंडीशंस डिफरेंट है. हम तोड़ नहीं सकते भी अगर इसमें आधा किलो है तो इसमें भी आधा किलो होगी. नो इट कैन बी 100 ग्राम इट कैन बी 1 kg. सो जजमेंटल होना बंद कीजिए एंड ट्राई टू अप्रोच ट्राई टू कम्युनिकेट. क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम अपने मन की बात कह तो सकेंगे आप जी. बट वॉच योर लैंग्वेज बिफोर स्पीकिंग आई मीन इट शुड बी इन अ डिसेंट वे राइट. तो बच्चों का ये हो गया. डोमेस्टिक वायलेंस में जो मैं बात कर रही थी उसमें कम्युनिकेशन बंद हो जाना भी हस्बैंड वाइफ अलग अलग बैठे हैं कोल्ड वॉर चल रही है और बच्चा बैठा वो कह रही है उसके पास जा वो कह रही है उसके पास जा. ये केसेस बहुत आए एंड रियली द चाइल्ड ट्राई टू कमिट सुसाइड मैनी टाइम्स बट पेरेंट्स की अवेकनिंग ही नहीं हो रही. वो फिर भी एक दूसरे को सोच रहे हैं. सो ऐसा मौका ही ना आने दें. प्लीज़ वेक अप. अपने बच्चों के साथ बैठे ये एज वापस नहीं आएगी. जस्ट ट्राई टू बी विद देम कैच इट. आई थिंक मैं ये बहुत अच्छी लाइन मैम ने बोली कि काफ़ी चीज़ें वापस आ जाएंगी. पैसा वापस आ जाएगा कुछ ना कुछ वापस आ जाएगा कोई चीज़ घूम गई वापस आ जाएगी. आई थिंक एक दो चीज़ें वापस नहीं आती मैम इस एज में. एक आई थिंक द एज डजंट कम बैक
और द इनोसेंस, वंस इनोसेंस, बचपना, वो बचपना इनोसेंस को ही कहते हैं. दैट्स राइट, दैट्स कि इनोसेंस वंस गॉन ये वापस नहीं आती. तो आई थिंक वो हम वो कहते हैं ना क्या बच्चों वाली बात कर रहे हैं, वो इनोसेंस होती है वो जब एक एक एज में चली जाती ना, वो फिर बाद में जा जाके छोटी छोटी चीज़ों में बाहर आनी शुरू होती है क्योंकि वो भी अपना अपना एक फनल ढूंढ लेती है. मेरे ख्याल हमें भी नहीं अपनी बचपना वो करना चाहिए क्योंकि मैं इसमें काउंसलिंग में हूँ और थेरेपीज करती हूँ, तो ये तो नहीं है अभी मेरे पे आशीर्वाद है इंद्र देवता का भी, सिमी तेरे को स्ट्रेस नहीं होगा. आई डू समटाइम्स. तो मेरा पैशन है, मैं आई एम, क्योंकि मैं गिद्दे में रही हूँ नेशनल यूनिवर्सिटी लेवल तक, तो अगर वो भजन भी है तब भी मेरे जो पैर हैं वो गिद्दे स्टेप में उठते हैं तो मैं वो लगा के अपना तो मैं कुकिंग करती हूँ, तो मैं अपना चैनलाइज करती हूँ अपना स्ट्रेस. मेरे को स्ट्रेस भी होता है, मैं दुखी भी होती हूँ है, और टेंशनें भी होती हैं. वी आर इन टू अ फैमिली लाइफ, गृहस्थी हैं, तो इसको चैनलाइज करती हूँ मैं अपना. एंड आई ट्राई टू स्पीक भी, आज मेरे को ये हुआ, बच्चों से मैं अपोलोजाइज भी करती हूँ. मेरे को याद है मेरी बिटिया छोटी सी जी, आई एम ब्लेस्ड टू हैव डॉटर लाइक विदुषी रियली, मतलब बड़े अच्छे कर्म किए होंगे मैंने. तो वो छोटी सी तब भी उसने मेरे को पैम्पर करना, तो मैंने उसको कहना भी मेरे को जोर दा हग दे दे विशु, मेरा आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा. तो उसने भाग के आना, और फिर सूर्य ने कहना अगर मैं करूँगा तो आज का दिन आपका अच्छा नहीं जाएगा. तो मेरे को फील होना भी मेरा बच्चा आइसोलेट ना फील करे सूर्य बेटा. तो विदुषी ने मेरे को हग करना, और उसके बाद उसने मेरे को किस करनी, फिर स्कूल जाना. तो मैं ऐसे टाइम डिवाइड करती थी, जब स्ट्रेस होना तो पंजाबी म्यूजिक चलाना, और बेडरूम के बाहर, तब तो ये इतना मोबाइल का यूट्यूब का पता भी नहीं था, तो वो रेडियो लगाते थे या कुछ कैसेट्स लगाते थे टेप्स, और किचन में काम करना नाचते हुए, तो वैसे अपने आप को चैनलाइज करते थे. हम ये जो थेरेपी है घर पे यूज़ करें, ताकि आपको किसी प्रोफेशनल के पास जाना ही ना पड़े, लेकिन प्रोफेशनल्स आर देयर टू हेल्प यू. और आजकल तो वॉलंटियरली ऑनलाइन बहुत सर्विसेज हैं. सो माय गुड विशेस टू मदर्स एंड टीनेजर्स एंड एडोलेसेंट, आप कोई प्रॉब्लम है जस्ट ड्रॉप अ मैसेज, साथ के साथ आपको आ जाता है, क्योंकि वॉलंटियर सर्विसेज बहुत हैं. मैं खुद एक 9 पैनल्स पे हूँ, वहाँ पे वॉलंटियर ही हूँ. एंड सो जस्ट वेक अप, कम्युनिकेट, डोंट स्टॉप योरसेल्फ. अपने शेल में मत रहें, एक बार शेल में चले गए इट विल बी डिफिकल्ट टू कम आउट. सो मैम ने बहुत अच्छी बात कही कि वेक अप एंड कम्युनिकेट, और अपने शेल में ना चले जाएं, बिकॉज फिर एक बार चले गए तो फिर बाहर आना ये नहीं कि इम्पॉसिबल नहीं, आने में थोड़ा वक्त लग जाए, वक्त लगता है, और वो वक्त कितना लगेगा वो फिर अगेन आप पे बहुत डिपेंड करेगा. तो मैम आज जो आपने इतनी सारी जो बातें करी, जिसको मैं कहता हूँ वर्ड्स ऑफ विजडम, आपने इतने एक्सपीरियंसेस, इतने तजुर्बे, अपने इतने सालों के जो आपके हैं वो आपने हमारे साथ शेयर किए, और आप इतना जो अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमारे पार्टनर्स की तरफ से आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे हैम्पर्स बाय अरोमा मस्क, परफेक्टेड बाय नेचर फॉर सीमा गुप्ता मैम. और मैम, अरे दिस इज लव, एंड मैम वन मोर हैम्पर, एंड दिस इज फ्रॉम एलिस्टोज फॉर सीमा मैम, और ये दोनों आपके लिए मैम. जो मैम इतना अच्छा काम कर रहे हैं ऑन स्किल डेवलपमेंट, ऑन वुमेन एम्पावरमेंट, ऑन बच्चों के साथ जो भी एम्पावरिंग चिल्ड्रन विद स्किल्स विद कॉन्फिडेंस, एंड देन आल्सो गाइडिंग पेरेंट्स ऑन मैरिटल इश्यूज, ऑन इश्यूज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, खासकर मतलब आई मीन मैंने मैम की जब प्रोफाइल पढ़ी, मैंने प्रोफाइल तो बाद में पढ़ी, पहले तो मैंने मैम से पूछा कि मैम ये आपने कितने अपने क्लोन बना रखे हैं, कि एक मैम आशी हरियाणा जाते हैं, एक मैम विकी में जाते हैं, एक मैम एक और काउंसिल में जाते हैं, एक दूसरे में, ये मैम कहते हैं ये जो 9-10 काउंसिल हैं ये सब मैं ही कर रही हूँ. एंड आई एम लाइक दैट इज़ वाई मैं आई से कि
all. I have worked with the transgenders also, ma'am, है ना? Men, women and transgenders, all the three. I mean, सबका एक बहुत strong role है equally in the society and no one is less and no one is more. That's right. ये जो capacity building है, ये सबकी बहुत एक individual है. That's और right. I feel कि ये ma'am घर से भी और friends and family और हमारे environmental support बहुत जरूरी है इस चीज के लिए. नहीं तो पता लगे हम कि हम दुनिया में काम करने निकले और हमारे अपने आंगन में ही अभी तूफान उठ रहे हैं. That's right, तो आई फील right. जैसे आपने जिक्र किया आपके हस्बैंड का, आपके दोनों बच्चों का, तो सबका एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल है और सबको भगवान एक बड़ा एक अच्छा एनवायरनमेंट दे. और जिन बच्चों को पेरेंट्स नहीं हैं या जिनके पास वो सपोर्ट नहीं है, उनके लिए भी मैम हैं. और आशी हरियाणा में आप ये जाके ज़रूर देखें कि बच्चों को किस तरीके से मैम नर्चर कर रहे हैं. एंड वही मैम ने कहा ना, जब जाते हैं तो वक्त का पता ही नहीं लगता, जैसे अभी हमें भी बात करते करते वक्त मैं भी सोच रही हूँ मैं कुछ ज़्यादा बोल गई. नहीं ज़्यादा नहीं मैम, आरएफई अनप्लग की यही खास बात है कि इसमें कोई फिल्टर नहीं है. ये हमारे सब दर्शक समझते हैं कि यहाँ हम कुछ भी लिख के नहीं बैठते या सोच के नहीं बैठते, बस जो फ्लो आ रहा है बात का. और जितना अरसा हमें हुआ है एक दूसरे को जाने हुए, वो एज इट इज हम अपने दर्शकों के आगे रख सकें. वंडरफुल जी, थैंक यू सो मच. और स्पेशली थैंक्स फॉर दिस हैम्पर्स. आज तो आपने वो करण जौहर और जो वो अपने हीरोइंस को देता है ना जी, वो फील लेके आई हूँ मैं. ये सुन लो, मजा आ गया. आई एम रियली, मैं बड़े प्राउड से इसको खोल के अपने बच्चों को दिखाऊंगी जी. एंड बाकी जो आपने कहा, वो एक कहावत है ना भी, हर एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे किसी औरत का हाथ है. मेरे केस में उल्टा है. मेरी जो भी सक्सेस है, जो भी मैं काम कर रही हूँ, मेरे पीछे मेरे हस्बैंड का हाथ है. बच्चों के भी, बच्चों को तो है ही, ऑनेस्ट राइट, बिल्कुल वो आपने जिक्र किया ही. हमारे केस में जी हस्बैंड है और बस बहुत प्रभु की बड़ा ब्लेसिंग्स हैं. एंड मैनी थैंक्स टू यू भी, आप हमारे साथ इतने अच्छे एसोसिएट थे, इसीलिए आज कैमरे से मैं शाइनी हुई. तो यूं ही बने रहे आप लोग हमारे साथ. मैं हूं ओजस्वी शर्मा और मेरे साथ हैं सीमा गुप्ता जी. और आप हमें यूं ही देखते रहिए रोलिंग फ्रेम्स एंटरटेनमेंट पे. सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड. थैंक यू सो मच, टेक केयर. आप देख रहे हैं आरएफई अनप्लग्ड रोलिंग फ्रेम्स एंटरटेनमेंट पे.